उड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, खाबों में फिर भी समथिंग ही थे वो कहता रहा मगर, के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे। अरे इतने अच्छे सुर लगाता हूँ मैं। तू अच्छे सुर लगाता है, तेरे यही सुर सुनने के बाद मर गई बेचारी, आत्महत्या कर ली उसने, कोई तो थी। हेलो गाइस, लेट टोपी, कितना अच्छा लग रहा है लेट टोपी देखने में। बहुत अच्छा लग रहा है, तुम जितना मर्जी लेट को लेट टोपी लिख लो, मुझे तुम सबसे फिर भी प्यार है। देखो, अरे मखदूमी की चुम्मी तो दे लोगों को भाई, आज तो मैंने नेशनल टीवी पे मखदूमी की चुम्मी दी है सबको। मैंने एक्चुअली में मतलब वो देखा एंड आई वाज लाइक डूड डिड आई एक्चुअली जस्ट डू दैट ऑन नेशनल टीवी। मेरा नाम है मखदूमी, मेरी तरफ से आप सभी को चुम्मी। ओए भाई, नेशनल टीवी पे करना भाई बहुत कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जिससे याद आया, एक्चुअली में मैंने पूरी देखी नहीं है वो वीडियो, एक बार पूरी देखते हैं, ठीक है। लेट मी सर्च ए बी पी न्यूज ट्रिगर्ड इंसान, हाँ यही है, 5 मिनट की वीडियो है। ओके ओके गाइज, आइए हम मिलके देखते हैं फिर, ठीक है जी। मैंने भी नहीं, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने सिर्फ जो ट्रेलर था ना वो देखा है, उसके बाद मैं सो गया था, फिर मैंने यही सोचा था लाइव स्ट्रीम पे रिएक्ट करेंगे। तो आज हम स्ट्रीम स्टार्ट इस से करते हैं, 3 2 1 स्टार्ट। फैमिली बिजनेस और एक होता है फैमिली ऑक्यूपेशन यानी कि प्रोफेशन, और क्या करें भाई, इन भाई बहनों ने तो अपना प्रोफेशन एक साथ ही चुना है, बट दे आर मेड फॉर द प्रोफेशन, तो बिल्कुल इनको इजाजत है ये करने की। मजाक कर रही हूँ, हम बात कर रहे हैं ट्रिगर इंसान और उनके भाई बहनों की। जी हाँ, ये तीन भाई बहन जो है, हम बात कर रहे हैं ट्रिगर इंसान और उनके, हम बात कर रहे हैं ट्रिगर, ट्रिगर इंसान, ट्रिगर्ड नहीं, ट्रिगर इंसान, भाई बहनों की। जी हाँ, ये तीन भाई बहन जो है, ये तीनों यूट्यूबर्स है और यूट्यूब पर खूब अच्छा कंटेंट पेश करते हैं, ऐसे में बिहाइंड द सीन्स चलते हैं, थोड़ी सी इनकी मस्ती मजाक में शामिल होकर आते हैं। ये देखो मैंने, हेलो गाइस, माय नेम इज निश्चय एके मखदूमी, मेरी तरफ से सभी को चुम्मी। आई डिड दैट नेशनल टीवी पे, आई डिड दिस। हेलो गाइस, माय नेम इज निश्चय एके मखदूमी, मेरी तरफ से सभी को चुम्मी। ये बढ़िया था। ये हमारे गोवा की वो वाली फोटो है जिसमें एक मेरी ऐसी फोटो है जो मैं कभी याद नहीं करना चाहता। आवाज बड़ी अनक्लियर सी है, ये हमारे साथ की हमारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, हेलो गाइज, माई नेम इज निश्चय, आई एम 5 years ओल्ड एंड ट्रिगर्ड इंसान नाम है, एक गेमिंग वाला है उसका नाम लाइव इंसान है, जिस पे हम अभी लाइव हैं। एंड या आई हैव बीन पोस्टिंग वीडियोस 5-6 साल से एंड इन्होंने मीम्स लगाए हुए हैं। वेट भाई, ये न्यूज चैनल वालों ने भूला भूला मीम्स लगाए हैं, एंड यू नो व्हाट, मैं कुछ भूला नहीं था। उसने जो बंदा डायरेक्ट कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, उसने मुझे बोला कि तुम बोलते रहना कि मेरा ट्रिगर्ड इंसान चैनल है एक और एक लाइव इंसान चैनल है, और इतने में आपकी बहन जो है वो आपसे माइक खींच लेगी, ठीक है। तो ये होना था और हुआ क्या, मैं बोल रहा हूँ मेरा ट्रिगर्ड इंसान है 5-6 साल से एंड वो खींच ही नहीं रही माइक, मैं कुछ कुछ बोलता रहा, वो माइक खींच ही नहीं रही। वो एक सेकंड, स्ट्रीम रुक गई क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं। अरे मुझे लगा मैंने गलती से स्टॉप स्ट्रीम वाला बटन दबा दिया है। हेलो गाइस, एम आई स्टिल लाइव? आई थिंक आई एम। हाँ, सो बेसिकली उसको मेरे से माइक खींचना था, जो कि उसने नहीं करा, तो फिर अल्टीमेटली ये हो गया। ओके नहीं, इसके चैनल का नाम नहीं हम जानते।
चैलेंज पर चैनल पर ये मेरे को बहुत परेशान करते हैं, ये मेरी असली शक्ल। यस गाइस, यहाँ पे यही होता है। अच्छा ट्रेलर में लग था, एक्चुअली में लगा, पतला लग रहा हूँ मैं यार। हाँ एक्चुअली में मतलब इतना पतला हूँ नहीं मैं जितना मैं लग रहा हूँ उसमें। ये कैमरा फिर तो यूट्यूबर भाई बहनों की ये बस्ती आपको देखने इसलिए मिली क्योंकि ये तीनों इकट्ठा हुए थे भाई दूज के मौके पर। अरे हाँ, जिससे याद आया, लाइक एबीपी न्यूज वाले भाई दूज वाले दिन हमारे घर आ गए, ठीक है, एंड उन्होंने बोला हम 3 बजे आएंगे और मैं उठा था पल्लव 3:15 मैं 3:15 बजे उठा और तब उसका फोन आया, सॉरी हम लेट हो गए। मैंने कहा नो वरीज आप आराम से आइए, मैं तो वैसे भी नहीं अभी तक नया भी नहीं हूँ। अब जब तीनों यूट्यूबर हो तो प्रेरणा हमारे लिए गिफ्ट लाई है, ये जो नीचे चॉकलेट्स पड़ी है ना, ये सारी प्रेरणा ने हमें गिफ्ट करी है। और मेरी शक्ल छुप गई, चलो कोई नहीं, अब जब तीनों यूट्यूबर हो तो कंटेंट, चलो अब बाकी मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा यार, एबीपी न्यूज वालों का कंटेंट है, पता चले वो स्ट्राइक मार दे मेरे। तो अगर तुम्हें देखना होगा तो SBS एबीपी न्यूज पे तुम्हें मिल जाएगा, जिसे याद आया। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत दिन हो गए यार स्ट्रीम करे हुए, है ना, बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं। एंड आज हम जो है स्ट्रीम कर रहे हैं हिट द मैन, ठीक है, आज हम खेलने वाले हैं ये गेम। मैं इतने सालों से खेलना चाहता था हिटमैन, लेकिन आज फाइनली वी आर प्लेइंग हिटमैन। एंड जिससे आ गया इतने सारे चैनल मेंबर्स भाई, MS Wines, जया, अननोन मास्क मैन, अहेली गेमर, शुभम बिस्वास, सभी को वेलकम टू द प्रो गैंग भाई, लव यू लॉर्ड, सागर फनजोन भाई आई लव यू टू ब्रो, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दो मेरे को, सृष्टि हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। और अभी चलिए गाइस आइए, आई एम स्टार्टिंग द गेम। ओके, अंदर से ऐसा फील क्यों आ रहा है कि तू वो वाला हिटमैन बनेगा जो सामने जाकर लोगों को मारता है? मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला हिटमैन हूँ। अच्छा मेरे को यहाँ पे गेम कैप्चर से वो करना पड़ेगा, हिटमैन 3। यस भाई, मैं वो वाला हिटमैन हूँ जो इतना स्नीकी है, इतना स्नीकी है तू सोच भी नहीं पाएगा मैं इतना स्नीकी हूं। प्रेस एंटर टू प्ले। मैंने ये गेम खरीदा है, मेरे को कम से कम नहीं तो 2 महीने हो चुके हैं, एंड मैंने तब से सोच रखा था, 2 महीने पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि हम ये गेम खेलने वाले हैं, लेकिन आज फाइनली इट्स टाइम गाइस। प्ले फॉर फ्री November 4-14। हेलो, व्हाई शुड आई प्ले फॉर फ्री? हेलो, मैंने पैसे दे के खरीदी है गेम। ओके, हिटमैन स्टोरी, हिटमैन 2 स्टोरी, हिटमैन 3 स्टोरी, साइड मिशन स्टोरी, हिटमैन 3। Agent 47 okay. and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they've been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Oh my god, बहुत सारी इंग्लिश हो गई। Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Okay. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. Oh my god. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, बचपन का दोस्त, he and Lucas Diana Gray. Switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Providence destroy करना है अब हमें. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three. Music kitna sahi intense hai ekdam. Eliminate them and the war would be over. Theek hai, Providence wale logo ko marna hai. The Constant has an ace up his sleeve. Okay. Mission on top of the world. Okay. On top of the world. Look closer. Bruh, in the shadows, goosebumps. Legit goosebumps aa gaye pehle music se. Everyday world. Beyond the headlines and the seats of power. A hidden hand. Bhai kya graphics hai? A kind of company known as Providence. Hey, Hitman. Ganju. To it
We were just assets to use and throw away. Okay. To do the unthinkable, the unforgivable. And it never gave us a second thought. Until Kingdom of Saudi Arabia. Okay. After decades in the shadows. Saudi Arabia पहुंच गए भाई. Me and 47. Much has been lost. But we are closer than ever. We trapped the constant, Providence's chief controller. Hey, and finally learned the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And, just maybe, look towards the future. 47. It's time. It's time. Time for what? For the mission, obviously. Okay. Burj Khalifa! नहीं बुर्ज खलीफा नहीं है ओ माय गॉड वी आर स्काईडाइविंग होली शिट द इंट्रो द पार्टनर्स आर डाउन देयर यू नो आई नेवर प्लान्ड दिस फार अहेड यू नेवर डू आई सी समवन गॉट हिज मेमोरी बैक. Wait, is that a beacon? Hey, bhai, samal ke. Dekh ke chala le. What the hell? Base. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. And I think I know why. The Constant has escaped. He persuaded one of the sailors into setting him free. And since then, he's been seizing control of Providence assets and resources. Constant, who is rushing to contain the damage. If she slips away again, we'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the Scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar Al-Ghazali. Omar Al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War and later established a globe-spanning empire. ऐसा लग रहा है Avengers movie का intro चल रहा है. Both कुछ समझ इच नहीं आ रहा है. इतने सारे characters हो गए हैं. Dominance endures to this day. अच्छा. The partners likely suspect that we're coming. So Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Okay, तो मेरे को बस इतना समझ आया है कि सेप्टर नाम की एक बिल्डिंग है जो कि आई थिंक बुर्ज खलीफा का एक वो बनाया है इन्होंने रेप्लिका टाइप क्योंकि बुर्ज खलीफा नाम नहीं यूज कर सकते होंगे शायद एंड अब उसको जाके हमें वहां पे इनफिल्ट्रेट करना है एंड मिशन हमारा स्टार्ट हो गया है और वहां पे कोई दो लोग छुपे ले हैं और फिर हमें कुछ करना होगा देखते हैं भाई. टारगेट कार्ल इंग्रम टारगेट मार्कस. अच्छा ये सब भी भाई मुझे खुद चूज करना पड़ेगा. आई ला टारगेट कार्ल इंग्रम किल कंडीशंस वगैरह 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 वगैरह. हाँ हाँ मार देंगे भाई अपना तो काम है मारना. Eliminate using any method, wear any disguise. अरे तो कैसे स्टार्ट करते हैं. डिफिकल्टी प्रोफेशनल प्ले. अरे डिफिकल्टी कैजुअल डिफिकल्टी मैं मास्टर लेवल खेलूंगा ना. नहीं कैजुअली खेल लेते हैं मेरे पास की नहीं है. प्ले भाई प्ले. Yes, I will kill both Marcus and Carl Ingram. दोनों खत्म. तबाह कर दूंगा मैं. Because I am a professional hitman. Wow. Welcome to Dubai, 47. Thank you. दुबई पहुंच गए भाई. Today is the inauguration of the scepter. Okay. And the ceremony is well underway. You will find Marcus. Dude, graphics next level. Signature art installation. While a paranoid Carl Ingram
has ensconced himself in his penthouse suite, security on highest alert. Holy shit, the graphics. Already in position and ready to assist. Oh, bhai, hum skydive karke seedha yahan pe pahunche hain. 47. Ah! Come in, 47. Do you copy? Nahi, 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 sunai nahi de raha behro main. I'm heading towards the point of entry. Good. Get back to me when you're there. ओ भाई एक सेकेंड में अपना फेस कैम थोड़ा छोटा कर देता हूँ साइड को वरना गेम प्ले में इंटरफेयर होगा. आई थिंक ये यही एक रास्ता लग रहा है ऊपर जाने का. ओह वो सामने भी हो सकता है कुछ. हेलो जंप सर. ओके उधर ही जाना है मैं सही सोच रहा था. अयो मरियो मत भाई मरियो मत परियो मत गिरियो मत जी. ओके वेरी इजी. ओ भाई. लॉक्ड. 47 यूज योर कैमरा एंड स्कैन द लॉक विल यू. आई थिंक आई कैन ओवरराइड द विंडोज कंट्रोल्स फ्रॉम हियर. एक्से वोल्ट कैमरा यूज द कैमरा. प्रेस आई से कैमरा ये रहा. अरे दबा तो रहा हूं. एम दिस द कैमरा एट द विंडो लॉक टू स्कैन इट. ओ वाह मुझे पता भी नहीं क्या हुआ है मैंने खोल दिया. ओ वाह मैं फोटोज भी खींच सकता हूँ बट मुझे वो नहीं करना है. ठीक है. I'm in position. 47, the inauguration is taking place close by. Okay. Once you've infiltrated it, get your bearings. I'm sure there must be floor plans somewhere. Understood. We need absolute focus on this one. अरे टेंशन मत लो अंकल. If alerted to our presence, we may lose them for good. We are so close, 47. Don't worry. They're not going anywhere. अरे आई एम द ग्रेटेस्ट हिटमैन एवर. डरो मत अंकल. तू सीधा खड़ा होगा या ऐसे ही चलता रहेगा. नहीं हो गया सीधा. ओके अभी हम बिल्डिंग के अंदर घुस रहे हैं जहां पे इनग्रम और दूसरा जो भी नाम था उसका कॉलिन. और कहां पे क्लाइम करूं मैं. नहीं नहीं ऊपर तो मैं आ ही गया था. कपड़े बदल ले भाई. यही कपड़ों में तो कोई भी पहचान लेगा. हम सही आए हैं. ओ वाह पर्दे के पार कपड़े बदल गए. ओके टी से डिसगाइज. नहीं वापस चेंज. भैया तुम ऐसे गंजे ठीक हो. कोई सस्पेक्ट नहीं करेगा गाइस कि एक गंजा बंदा जिसके माथे के पीछे कुछ लिखा हुआ है वो एक हिटमैन भी हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं है. थैंक यू भैया. मैं तुझे नहीं मारूंगा. आई विल स्पेयर योर लाइफ. तेरे को नहीं मारूंगा मैं. ठीक है बख्श दूंगा तेरे को. ओ माय गॉड एक बार जस्ट लुक एट दिस. व्हाट आर दीज ग्राफिक्स. मैडम थोड़ा सा पानी मिलेगा. नहीं मिलेगा लगता है. अरे यही तो है वो जो जिस बंदे की प्रोटेक्शन में है वो. अच्छा नहीं वो रहा सामने. वेरी ब्यूटीफुल. सेल्फी भैया. सेल्फी नहीं ले सकते. ओके सोनल पटेल वेलकम टू द स्ट्रीम. हाथ में बस फाइबर केबल लेके चल रहा है ये बंदा. कैसे कोई सस्पेक्ट करेगा कि गलत है. Good today, sir. नमस्ते अंकल.
वो सही जा रहे हैं क्योंकि जब भी सेविंग लिखा है मतलब समझ जाओ सही जा रहे हैं. जी से इंटरैक्ट. लिसन आई वांट टू टॉक टू द पार्टनर्स डायरेक्टली मेक देम अंडरस्टैंड व्हाई ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग एंड दैट टर्मिनल गिव्स मी एन आइडिया. There's a server room near the Sheikh's personal reception. There is a server room. Access to it, we might be able to recover useful intel from it. There is a server room. We have to work together to hack the system. Okay. It's our best shot. Namaste, bhaiya. Follow mission story. Mission story revealed. Server area ढूँढना है. Private matter. Server room ढूँढना है अब हमको. Sheikh के कमरे के पास. ये सामने वाले दरवाजे में. इधर होगा. ऐसा मुझे लगता है. Hi. Hey, 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 hey. अरे भैया पानी लीक हो रहा है. पानी लीक हो रहा है भैया. Hey, idiot. अरे इसको कैसे मारूं मैं? अच्छा नहीं मार सकता, पीछे भी वही है. Okay, I'm done. Security will deal with you. दरवाजा बंद कर. दरवाजा बंद कर. अरे बंद कर. अरे बंद कर बे. अरे बंद कर. अभी अंदर ना आइयो. मूत रहे हैं भाई. अरे क्या करूं मैं, पकड़ा गया. जल्दी कुछ कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे. कूद जा यहां से, कूद जा. अरे कुछ तो कर, तोड़ दे कुछ तो कर भाई. कैमरा, कॉइन, फाइबर वायर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं मेरे पास. सारे सिंक ओवरफ्लो कर देता हूं. नहीं गोली नहीं खानी. अरे यार अंदर मत आओ. फेक सरेंडर, फेक सरेंडर, फेक सरेंडर. अच्छा बटन दबाने हैं मेरे को. डी डब्ल्यू. मर साड़े. इधर ना आइयो. पता है कौन हूं मैं? कहां भाग रहे? आ, 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 ए, डब्ल्यू. शिट. रीप्ले. जहां पे भी लास्ट सेव हुआ था वहीं से कंफर्म करेंगे. देखो एक्चुअली क्या है ना, मैं टेस्ट कर रहा था कि अगर मैं कुछ गलत कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी. तो अभी पता चल गया है हमें कि गलत नहीं कर सकते. ठीक है तो सही से ही करना पड़ेगा सब कुछ. अच्छा देखो देखो बाथरूम में नहीं जाना है. नमस्ते शेख साहब, क्या हाल है? तो सर्वर और है, वो सीढ़ियां आ रही है वहां, वो हो सकता है सर्वर रूम. हेलो गाइज, हेलो गाइज. यप यप, ये सीढ़ियां बिल्कुल ऑब्वियसली वहीं पर ही जाती है. इसको मारना है मेरे को. अच्छा साइड में ही बंदा था, वो तो मैंने देखा ही नहीं. उप बी से ड्रॉप. अरे तेरे तेरे पड़ेंगे अब. अरे मारना उसे. एक ही गुस्से में मर गया. गाइस एक्चुअली मैं चेक कर रहा था कि किसी को मारा भी तो जा सकता है ना. मैं सिर्फ चेक कर रहा था कि अगर मैं उसको मारूंगा तो वो क्या लोग मेरे को मारेंगे. अभी हमें पता चल गया वो मारेंगे. तो अभी हमें समझ आ गया है कि वो हमें मार. अभी मेरे को वो सीढ़ियां भी संभल के जाना है. या फिर इधर भी हो सकता है जाना हो, क्योंकि शेख साहब तो सारे इधर खड़े हैं. अरे थैंक्स यार. Accumulus, sky is the limit. Yep, yep, I think यही है, इसी तरफ जाना है. बिल्कुल non-suspicious way में जाएंगे हम. देखो थोड़ा सा संभल के जाना है हमें, ताकि लगे ना कि हम बिल्कुल भी suspicious है. Hello, I am just roaming here. बाथरूम ढूंढ रहा हूँ. F1 दबाना है कह रहे. It seems that Cornelia this has a meeting planned with somebody on the atrium balcony. Achha. Fir mujhe kya karna hai? Objective kya hai mera? Ye kahan aa gaya hu main?
हेलो सुंदरी, क्या हाल है? कोई देख तो नहीं रहा? हेलो सुंदरी, भाव नहीं देगी तो ऐसे ही होगा ना तेरे साथ। नॉन टारगेट किल्ड, मेरे को फर्क पड़ रहा है। पानी में फेंक इसको, चल निकल। यस, मेरी पहली किल। अरे अरे, हेलो शेख साहब। यार ये मैडम यहाँ खड़ी हुई है, वरना शेख साहब भी जाते हैं अभी। 47. I would like to address the Providence partners directly. I want them to know why this is happening. Oh yes, and I think sahi aa gaya main. Idea, but it requires you finding a map terminal. Map terminal ढूंढना है यार हमें। मैं क्या ही ढूंढ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैप हाँ, किसी ने नहीं देखा। एग्जैक्टली ब्रो, कोई देख थोड़ी ना सकता। मैं इतना प्रोफेशनल किलर हूँ, कोई देखेगा ही नहीं। आई नीड टू फाइंड अ मैप टर्मिनल। एक्सक्यूज मी, ओ सेविंग आया, मतलब सही जा रहा हूँ मैं। ओह हेलो, इधर ही कहीं पे होना चाहिए कुछ, जो भी मेरे को चाहिए। रुपीज 50। क्यों भाई, वेस्ट क्यों हो गए? अरे देखो, जिसको आता है ना वो मेरे को बता जरूर देना कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। वो ये मेरे को सही लग रहा है। सेविंग आ गया लिखा हुआ, मतलब सही हूं। इन्वेंटरी से सिक्का निकालेंगे, सॉरी सिक्का, और वहां पे सिक्का गिरा है भाई। Check that out, would you? देख सिक्का है। How's it going up here? We're good for now. Both only got one. Shit! अरे shit! ये दोनों यहाँ पे क्यों थे? Hands off right now! चल चल चल! Please, someone help me! अरे गधे, इधर आ! अरे तेज सीधा होके भागना! Let's go this way. Right behind. Excuse me. Something bad's going down. We have a dangerous. Amma! फिर से देख लिया। अरे शेख साहब बचाना जरा, शील्ड बनना। अरे तुम भी बचाओ, सारे बचाओ। यार क्या मस्त है भाई। मैं गाइस एक्चुअली देखा ही नहीं था यार वहां पे बंदा है। अबे यार ये क्या बदतमीजी हुई है। नहीं नहीं देखो, हम सही जगह आ गए थे, बस वो मैंने बंदे को थोड़ा जल्दी मार दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। Do you have the right authorization to be here, mister? I'm getting security to teach you some manners. अरे इसको मारना! क्यों? अरे यार पुलिस वाले ने फिर देख लिया। मारो! चाम महिला, तू भी मर। सब मरो, सबको सामने से मुंह पे मार के भागूंगा। ये क्या है, बिजली का है ना? अरे यार ये नहीं तोड़ सकता, इसे छुप जाता हूँ, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैं हुलिया बदल लूंगा, ये अच्छा आइडिया है। फिर मैं हुलिया बदल लूंगा और फिर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ओवरा और छुपा रहता हूँ। भैया मैं काम करता हूँ, किसी एक पुलिस वाले को मार के उसी का हुलिया ले लेता हूँ। वो रहा एक पुलिस वाला, मेरे पास सिक्का है ना, और सिक्का नहीं बचा। आजा आजा, देख लिया उसने मेरे को डब्बे में छुपते हुए। नहीं, आई डोंट थिंक उसको पता चलेगा कि मैं डब्बे में हूँ। ही कांट डू एनीथिंग, ही डेफिनेटली कांट डू एनीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग। आई थिंक so I think once you get caught it is very difficult. See, use sides bhai, wo kya hota hai, sides kya hota hai. Main shanti se jaunga and mere ko pehle mera mission to pata chale mere ko karna kya hai. Abhi mere ko a challenge kya hai mera, like what is the thing that I have to do currently. Ye tha na, ye is pe, ये है टर्मिनल, यही तो है। Listen, I want to talk to the partners directly. Make them okay. understand why all of this is happening. Okay. And that terminal gives me an idea. क्या?
There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful Sheikh intel. Sheikh ki reception ke paas server room hai. We have to work together to hack the system, but it's our best shot. ठीक है. अरे तो मेरे को बताओ तो सही किस तरफ से जाना है उस पे? Looking good. Sheikh ki reception ke paas server room hai. Sheikh saab kider gaye? एक तो ये नीचे तो मैप आ रहा है, ये यहाँ पे अनअवेलेबल दिखा रहा है, तो मैं ऐसे समझ भी नहीं सकता ना. या तो मैप पे दिख रहा होता कि भाई इस तरफ होगा. Have a good one, sir. टॉयलेट है ये तो. I was wondering if you could help. Upstairs, that is the Royal Highness Omar Al-Ghazali's private penthouse. Correct. Haha. I heard rumors he has some guests of some significance. अरे नाइस. थैंक यू सुट्टे वाले भैया, हेल्प कर दी. ऊपर है उनका प्राइवेट हाउस. अब ये रास्ता है. आहा. It's just a precaution. I've been personally invited by the Royal Highness Omar Al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zainab Kazim. Sir, I understand, but you can't enter without being searched. It's standard procedure. ओके, ये अंकल जी के पास कुछ हो सकता है हमारे काम का. Sorry man, but you're just making me feel a little uncomfortable now. Okay? मैंने कुछ भी नहीं किया अंकल. Well, that's how it is. Think about it. अरे भाई क्या मस्त है यार ये जगह, बुर्ज अल गजाली. मेरे को यहाँ पे ऊपर जाना है, लेकिन कैसे जाऊँ? इस अंकल को मार के जाऊंगा एग्जैक्टली. लेकिन ये अंकल को यहाँ पे लोग हैं. ओके पहले मैं पूरा देख लेता हूँ. इस बार मारूंगा तो सिर्फ दो आंटियाँ हैं यहाँ पे, एक ये वाला बंदा देख रहा है, एक ये लड़की देख रही है. एक सिक्का फेंकते हैं. सिक्का तो है ना हमारे पास? हाँ बिल्कुल है. तो अंकल वो देखो वहाँ झाड़ियों में एक सिक्का गिरा है अंकल. अरे तू क्यों देख रही है? तू मत देख, तू कहीं और देख. ये आंटी यहां देखती रहेगी तो मैं कैसे बैठूंगा? एक्सक्यूज मी बट कैन यू प्लीज एक्सटिंग्विश दैट सिगरेट? यू आर व्हाट वुड दिस प्लेनेट लुक लाइक इफ ऑल ऑफ अस थ्रू शिट अराउंड लाइक यू? अरे ये आंटी बार बार इधर क्यों देख रही है? आंटी तुझे झाड़ियों में देखना है, झाड़ियों में ऐसा बूम. हाँ 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 हाँ. अरे यार मेरी गलती नहीं है. यू डाए. और कौन है मार रहा मुझे? अरे कौन मार रहा है? बूम 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 बूम. यू डाए. बूम बूम बूम. यू डाए. हाँ हाँ अरे मेरे को उसके कपड़े चाहिए ताकि मैं. हाँ इसको ड्रैग करो. नहीं रुक जाओ, मत मारो. अरे बम फेंक दिया. अरे नहीं मैं मैंने कपड़े बदल लिए, अब तो वो मेरे को नहीं पहचान पाएंगे. राइट मैंने गेम के स्टार्ट पे तेरे को बोला था तू सबको ऐसे ही मारेगा. Yes! नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, नहीं ढूंढ पा रहे. What the hell is this? Give it up! Get on your knee, hands over your head. अरे मेरे पास गन थी. Ouch! Target's engaged in a fist fight. Here for another one. अरे तुम भी मरो, तुम भी सब मरो. अरे यार वो सारी उस आंटी की गलती है. वो आंटी अगर वहां पे इतने पास पे खड़ी हुई है, मैं सिक्का फेंक रहा हूं, तो आंटी तू देखना सिक्के की तरफ. अंकल क्यों देख रहा है बार बार? मैं सही जा रहा था इस बार, मैं समझ गया हूं. इस बार मैंने सही से भी किया था सब कुछ, फिर भी मर गया. Hello, I don't mean to... अब ये क्या फिर से करना पड़ेगा? अरे चुप रहे, इस बार होगा. I want to talk to इस बार होगा, इस बार शर्त होगा. Make them understand. अच्छा अच्छा लगा ले. लग गई. नहीं होगा. And that terminal gives me an idea.
There's a server room near the ship's personal reception. ये देख अब तू। अब मैं इतना चालाकी से मारूंगा ना उसको। सिक्का चाहिए ना मेरे पास सिक्का है हाँ। अब देख तू। We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Okay. वो अंकल जी जो है वो ही है मेरा इकलौता तरीका। It's just a precaution. I've been personally invited by the Royal Highness Omar Al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zainab Kazim. Sir, Zainab Kazim, sir. You can't enter without being searched. It's standard procedure. La 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 la. मैं यहाँ पे सिर्फ रिंगर रिंगर रोज़ेस खेल रहा हूँ किसी को नहीं दिख रहा. ठीक है भाई. La 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 la. 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 Ye uncle ji is my only chance. ओके ओके अंकल सिर्फ तुम देखना यस यू आर द मैन यार सारे कैसे देख लेते हैं हर बार ये हर बार मेरे को क्यों देख रहे हैं सरेंडर ऑर डाई हे मैन यू नीड टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट मैं मार रहा है इन सबको नाइफ बस नाइफ है इस बार राइट नाउ डोंट लेट हिम गेट अवे टुडे तुम भी सब मरो यार पल्लव यार मैं उस अंकल की मुंडी तोड़ता हूँ तो सारे देख क्यों लेते हैं मुझे अरे छुपके करना जिस जगह पर वो बीच में पॉइंट पर आ रहा है छुपके कैसे करूं मैं सिक्का फेंकता हूँ तो चारों सारे देखने लग जाते हैं आसपास के लोग अरे मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ वो देख वो जो बीच का क्रॉसिंग में आता है ना वहाँ पर वो एक यू नो वहाँ पर कोई देख नहीं सकता वो चार जगह के बीच में जब आता है खुदा मदद इस बार पार एंड बता रहा है वो जब वो चार चीज है ना उसके बीच में ना तब करो देयर इज अ सर्वर रूम नियर द शेक्स पर्सनल रिसेप्शन इफ यू कैन गेन एक्सेस टू इट वी माइट बी एबल टू रिकवर यूजफुल इंटेल फ्रॉम इट गाइस ट्रस्ट इस बार होगा सिस्टम बट इट्स आवर बेस्ट शॉट Sir, I understand. You can't enter without being searched. It's standard procedure. बहुत दुख हुआ आपकी बात सुन के करीम साहब अभी जाओ ना जरा बैठने के लिए अपनी तशरीफ हिलाओ इस बार क्लियर होगा ठीक है इसको यहां पे मारना है इस जगह पे लाके आ समझा अब देख मैंने म्यूजिक सिस्टम ऑन करा ना वो डिस्ट्रैक्ट हुआ देख अब इसकी मैं मुंडी तोड़ दूंगा I don't think इस बार इन्होंने मेरे को देखा है, right? अरे वो गधी बोल रही है कुछ यार। Come on, come on. Hey bud. Hey bhai, kaise ho bhai? Yes, I've done it. Tell me anything about who we're looking for. Security upar jana hai na? Okay. I'll deal with it now. We have a positive ID on Yes, saving likha hai. Yes, I've done it finally. How are you? Yeah, I'm so lucky. Bahut badhiya bhai. Namaste. Main sirf washroom dhoond raha hu, theek hai? Mujhe kuch nahi pata. Okay. बुर्ज अल गजाली की रिसेप्शन आ गई जिसके पास एक सर्वर रूम है नाउ वेयर द हेल इज सर्वर रूम इधर लिखोगे ना सर्वर रूम इज इस साइड एक सेकंड ये एरो का मतलब अंदर है या फिर इधर है मीटिंग रूम है ये तो सर्वर रूम इधर होगा हेलो भैया बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके सर्वर रूम इधर डन इट फाइनली डन इट
सर्वर रूम ढूंढ लिया है। हेलो भैया। Yeah, I just want to remind you about इसके कपड़े पहन लेंगे अब हम और इसकी बॉडी को ड्रैग कर लेंगे। प्लीज इसको यहां से ड्रैग करके कहीं और फेंक दो। अरे वहां बंदा सो रहा है। अरे करना इसको भी मारना मारना मारता क्यों नहीं है। तोड़ दे तोड़ दे। बहुत बढ़िया हम किसी को मार नहीं रहे। ओह इसकी इसको खींचो 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 अंदर लाओ। बस बस छोड़ दो इसको यहाँ पे। ठीक है अब हम सिक्योरिटी वाले हो गए हैं बहुत ही प्यार से आराम से। और ये गन उठा लेते हैं। लेट्स गो। गन को हाथ से निकाल लेते हैं। हाथ में रखेंगे केला बिकॉज केला इज नॉन लीथल राइट। सिक्योरिटी रूम से निकल गए हैं अब हम। हमें जाना है सर्वर रूम। सर्वर रूम है टू द राइट। अब मैं सिक्योरिटी वाला हूँ मेरे को कोई नहीं रोक सकता। अब कोई एज अ गेस्ट अगर घुस रहा होता सिक्योरिटी सर्वर रूम में तो दिक्कत हो सकती थी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सर्वर रूम इज सीधा। भाई केला खाओगे? Who might you be? Oh my god, no. I don't know. Hey. Oh no. Yeah, I'm talking to you. Penthouse staff. There is security. Hey, stop! You don't... Stop, there'll be trouble. Oh no! अबे भाई AK-47 है इसके पास। इसको कहाँ फेंक के आऊँ मैं? यहीं रह भाई तू। और तेरी AK-47 जरूर ले लूँगा मैं। ओके सिक्योरिटी रूम सर्वर रूम है इधर। ये तो टॉयलेट है सर्वर रूम। यू हैव बीन रिकॉर्डेड बाय अ सिक्योरिटी कैमरा। आई शिट क्या ही फर्क पड़ता है। स्टोरेज रूम सर्वर रूम स्टोरेज। ये भी उठा ले हथौड़ा। इसी से इसका सर फोड़ देता है। बहुत बढ़िया। गोली रखते हैं हाथ में ताकि आ गया। आ सर्वर रूम आ गया। लेट्स गो। अ कैलेंडर फंक्शन। We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. Ek fake meeting banayenge hum isse, okay? I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. You need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Damn it. A silent alarm has been triggered. Alarm trip ho gaya. Security is on its way. Hide, 47. Main kyun hide karu? Main to khud security wala hu. दरवाजा खोल। हाँ इसी से खोल। मिसिंग आई डोंट हैव लॉकपिक। अरे क्या करूँ लॉकपिक नहीं है तो गोली मार दो दरवाजे को। खुल जा। अब तो तोड़ दी। अरे नहीं होगा तो दरवाजे के पीछे क्या ही कर सकता हूँ। यहीं छुप सकता हूँ बस यही एक तरीका है। कोई आएगा तो देख लेंगे भाई। और तो कोई जगह है ही नहीं छुपने की। कमरे से बाहर जाने नहीं देंगे। छुप गया हूँ भाई देखी जाएगी। गन ही रखते हैं हाथ में। जो भी आएगा सबको मार दूंगा। अरे अब क्या अलार्म ही बजता रहेगा। अच्छा जब तक मैं छुपूंगा नहीं अलार्म बजेगा। बॉडी फाउंड। ओह नो। उस बंदे को यार सिक्योरिटी रूम के बाहर उस बंदे को मैंने घसीट के कहीं फेंका नहीं। मेरी गलती है। मैं रेडी हूं गोली के साथ। आ जाओ। कोई तो आ रहा है। कोई आ गया। कंट्रोल फ्रॉम माइक वन।
I am hiding. He doesn't know. He doesn't know. He doesn't know. JHQ, I have nothing to report. यार उसने मेरे पैर की आवाज सुन ली शायद. मैं मार दूंगा इसको. अगर ये वापस अंदर आया तो मेरे को मारना ही पड़ेगा इसको. अरे एक और आ गया. लेट्स गो देन. हो जाए. भाई देखना मत, मैं मार दूं. ओ ओके ओके ओके. आई थिंक हो गया. सॉरी अबाउट दैट 47. Let's try again, shall we? Aish. I think I've got it. We'll need a key card to gain access. Someone in maintenance should have one we can borrow for a start. Someone in maintenance should have a key card. Okay. ये खुलेगा? ओ खुल गया. वाह. पहले नहीं खुल रहा था. I thought about what you said. Yeah. तो फिर अब ये maintenance वाले को भी पीटना पड़ेगा. Exploding golf ball. I don't want blood on my hands. अरे दीदी तुम तो वैसे भी तुम्हारे कपड़े हमें आएंगे नहीं. सिक्का है क्या मेरे पास? नहीं है. बनाना है ना. मिल गया ना जो भी चाहिए था. अरे कहाँ फेंकू इसको? ये जी जी का डम का ऑप्शन आया था. अभी तो आया था डम करने का ऑप्शन. ओह नो. और क्या करूँ मैं? देख लिया उसने मेरे को. डम करने का ऑप्शन आया था ना. ये इधर. अरे डंप करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अब क्यों नहीं आ रहा? पिकअप सर्वर रूम की कार्ड. यार छोड़ इसको. और इसको डंप कहाँ करूँ मैं? इसको कहाँ फेंकूँ लसन को? ये देख अब बिल्कुल हल्का सा एक सेकंड के लिए आता है ऐसा. यहाँ ये कहाँ डंप करेगा? लोगों के बीच में. अरे उल्लू. What the hell did I just do? Oh my god. Body utha ke niche phenk di sab logon ke samne. I am the dumbest criminal in the history. Oh my god. Stream ke starting mein maine kya bola tha? Terminal locked. Ab kya karu? Ek second. क्या था अभी? यही तो करना था. बस की कार्ड लेकर आना था. Seven guards are heading your way. Be careful. अबे यार फिर से. अरे यार एक तो मैंने उसकी बॉडी उठा के हर सबके सामने फेंक दी. अब मैं अब जो भी आ रहा है मैं मार रहा हूं उन्हें. और क्या ही कर सकते हैं भाई. आपका जो डिस है उस पर कुछ नहीं बोलोगे? नहीं भाई. अमृत अरित्र घोष मुझे किसी के डिस पे कुछ नहीं बोल रहा. अब आ भी जाओ यार. गोली मारूंगा इस बार तो मैं इनको. बूम. आ भी जाओ. ओ चाचा लोग आ गए. लव योर गेमिंग भैया. सनलीना रिजाल थैंक यू सो मच यार. अरे एक अकेला होता ना तो इसको बता भी देता. मैं दो आए हैं.
coming down here? हाँ तो मत आना बार बार मत आ अब मत आइयो जाओ बाय बाय टाटा 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 ओके अच्छा सो ये करना था कैन यू सी एनीथिंग डिफरेंट इन द रूम हाँ हाँ ये वाला चल पड़ा लेट्स गो वेयर इन नाउ ऑल यू नीड टू डू इज एक्सेस द टर्मिनल एंड यूज द कैलेंडर ऑप्शन टू समन द प्रोविडेंस पार्टनर्स टू अ मीटिंग मीटिंग टाइम अपडेटेड द मीटिंग हैज बीन बुक्ड द पार्टनर्स शुड बी मूविंग अप हियर शॉर्टली It looks like the lounge can be sealed off for private conversations. Excellent. I see the partners moving. You should join their meeting. Time to end this, 47. Cameras are showing a lot of guards up here. They wouldn't suspect one of their own. अच्छा मेरे को गार्ड बनना है. गार्ड अरे असैसिन नहीं बनना गार्ड बनना है हाँ मेरे पीछे तो जो वो AK-47 लटकी हुई है किसी को दिख ही नहीं रही है इतनी मीटिंग रूम में डाल दूं क्या बॉडी नहीं 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 ये मैं क्या कर रहा हूं मीटिंग रूम में ही तो आ रहे हैं सारे अयो अयो पूरा प्लान फेल हो जाएगा कुछ भी हो ये क्या है शिट 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 यू विल डाई इफ यू डोंट गिव अप द राइफल अंडरस्टैंड एंड नाउ I take this and I... What the hell? What do you think you're doing? Let go of that portal. Hey, I need help. Please. Anyone? Do you need some help here? Hey, I just saw a man dragging a dead body around. अरे तुझे ज़्यादा बोलना है। Okay, anyone? यार अब क्या करूँ? कैसे भागू? तीन लोग मार दिए ऐसे ही। ओके यहां से निकल जाऊंगा किसी को पता ही नहीं चलेगा I'll activate the panel controlling the room's security features. So ready. Use it to start the show. Shit! I could have sworn he was there a second ago. We gotta find him. Do you have any idea on the suspect? It was all over before I had a chance to see what's going on. Man, you read me. Okay. क्या करूं मैं क्या करूं I'm afraid to say we got some trouble coming. Okay. I don't think so. वो इसमें मेरे को पहचानने वाले हैं Leave the area. Leave the area. Go, go. Hey, whatever you say. Shit, yaar. Hey, are you even aware of what's going on? चलो अब हम बन गए हबीबी अभी हमें कोई नहीं पहचान सकता मैंने बहुत सारे मर्डर कर दिए हैं लेकिन अब मैं अपने हाथ खाली कर लेता हूँ और मेरे पीछे AK-47 लटकी हुई है किसी को कुछ पता तो चलने नहीं वाला मीटिंग रूम कहाँ है मैं आ गया हूँ मीटिंग रूम में गाइस जल्दी से मीटिंग शुरू करो बैठ जा भाई बैठ जा बैठ क्यों नहीं रहा मीटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही That's right, 900 hours. And the key cards to activate the alarms are still in the safe in the security room. Yeah, same. No, you don't. तोड़ इसकी गर्दन इसका कार्ड भी उठा ले और इसकी आइडेंटिटी भी ले ले और इसको ड्रैग करके अंदर कूड़ेदान में भी डाल दे
इस बंदे को तो मैं मार चुका था ऑलरेडी, और ये वाला बंदा तो सोता ही रहता है लगता है। इसकी तो गर्दन सीधा ए बूम बूम बाम पीम। कौन सी बॉडी फाउंड भाई? मार 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 मार, छोड़ दे इसको यहीं पे, मरा रहने दे। और इसकी जगह पे बस अब हाथ में कुछ तो लेटर ओपनर, ये किस लिए चाहिए मेरे को? ओके, इसका कुछ तो काम होगा, देखेंगे। हाथ में अब AK-47 लेके चलेंगे हम। भाई मीटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही? अच्छा लेटर पड़ा हुआ है, तो लेटर ओपनर तो नहीं यूज करना, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेटर ओपनर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूं, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं बोल रहा था ना मैंने नहीं किया। अरे यार आते जाओ, सारे आते जाओ। Oh, no, you don't. और आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ। The rifle right now. Eat it. Yeah, looking at it right now. Don't worry, taking out the trash. Nothing, sir. Nothing happened. It's all perfectly fine, sir. अच्छा मैंने मीटिंग खराब कर दी क्या? ओ अच्छा, मैं सीधा योलो हो गया हूं। वाओ पलविंदर चीमा, वेलकम टू द प्रो गैंग। बॉडी फाउंड, एक नहीं दो नहीं, मैं 6-7 लोग मार दिए। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? भाई सॉरी, गलती हो गई। नहीं, गलती हो गई भाई। मरो फिर, बोल रहा हूं गलती हो गई। बोल तो रहा हूं गलती हो गई भाई। आजा आजा, मर गया वो अभी 2 मिनट पहले। Sierra 6 reporting in. We've got a homicide and the killer is still out there. I don't know what that outfit was, but it was in disguise. Hello. Hello. सबको मार देंगे भाई, डरते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये वाले कपड़े नहीं रखने, ये वाले कपड़े ठीक है, इसमें ये पहचानेंगे नहीं। अगर इसने मेरे को पहचाना तो मैं इसको, नहीं 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 पहचाना। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, इट्स ओके। मैंने 6-7 लोग ही तो मारे हैं बस। भाई सब ठीक है ना? शेफ, it smells delicious. Shev, really done? Are you kidding me? No, it needs to sip. Stay away from me, sir. You could get hurt. Sir, can I get some water? I am very thirsty, sir. Poison ही है यार. Are you kidding me? No, it needs to simmer for perfection. It must not be disturbed. You speak. मैं यहाँ पे एकदम unsuspiciously खड़ा हूँ, किसी को पता ही नहीं चल रहा।
appears that the guest is hungry. When that clock rings. Ah, ye bhaiya. Hello, bhaiya. Hello, bhaiya. Koi aaya? Koi aaya? पहले तो हम आपके जैसे बन जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको उठा के इसमें डाल देंगे. बाय बाय फ्रिज में चिल करो ब्रो. उठा ले भाई स्क्रू ड्राइवर उठा ले और क्या क्या उठा सकता है. आइस मशीन ऑन कर दी. अरे शेफ भैया आपको यहाँ पे देखना नहीं है क्या हो रहा है. आ जाओ बर्फ गिर रही है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. देखो तो सही क्या हो रहा है. आप उसको ठीक करो. ओके भैया पहले हम आपके जैसे बन जाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको कूड़ेदान में फेंक देंगे. अब आप भी चिल करो. ये इतने से में दो दो लोग कैसे चिल करने आ गए हैं वो अपने को क्या जाता है. अब हम बिल्कुल ही अनसस्पिशियस है. अब हमें कोई नहीं पहचान सकता. ये किस चीज की चाबी है. पेंट हाउस की मिल गई. लेट्स गो. की टू द सेप्टर इज विद मी नाउ. लेट्स गो. ये क्या है. रैट पॉइजन. गॉट इट. खाने में पॉइजन मिला देंगे अब हम. Hold it right there. क्यों भाई. क्यों भाई. एक सेकेंड. एमेटिक रैट पॉइजन. ठीक है तो फिर अगर इस बंदे को मरना ही है तो आ जाओ. आ जा इधर से आएगा. इधर से आएगा या इधर से आएगा. अरे बोल ना. नेक्स्ट नेक्स्ट. यार आई थिंक शेफ जैसा बनना ही ठीक था. लेकिन उसने मेरे को शेफ के रूप में पहचान लिया. दैट वॉज वियर्ड. पर अभी मैं खाने में पॉइजन मिला सकता हूँ. अरे मैं फ्रोजन हूँ. फ्रोजन हूँ. कुछ नहीं कर रहा. Bruh, don't do that, bro. Let me just poison the food. And boom, shaka laga laga, boom. So the food has been successfully poisoned, I think. Aur bell daba di hai. Tumhari body ko hatana padega yahan se. Ingram ke liye khane ka wo aa chuka hai. Chal, 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 jaldi. Andar aao, andar aao. अब हम तुम्हारे जैसा डिस्गाइज कर लेंगे. ठीक है तुम सबकी बॉडीज को पीछे हम कूड़ेदान में फेंक देंगे. अरे फुल हो गया भाई. इतना इतनी लाशें डाल दी उसके अंदर. वहां जगह ही नहीं बची. यहाँ पे घंटी थी ना उसके लिए उसको बुलाने के लिए. ओके सर खाना पॉइजन हो चुका है एंड मैं वहां से निकल चुका हूँ. इंग्रम के लिए खाना में खाने में जहर मिला दिया है. ओह सॉरी. हैव अ गुड टाइम. चिल करिए आप सब लोग. Where is he? Where's the sheik? It's a busy day for him. Surely we can give him a few moments. Do you know what he wants to talk about? No, but I've known this man for a long time. You wouldn't call us up here without good reason. सही कर रहा है ना मेरे ख्याल से. Z to drop. Okay, got it. Which reminds me, we need to discuss Alexa. What's there to discuss? सही नहीं कर रहा भुवन भाई. नहीं आई थिंक सही कर रहा हूँ. यही तो बंदा है ना जिसको मारना है हमें. ऑब्जेक्टिव यही है. कार्ल इनग्रम ये सामने वही तो बैठा हुआ है. ये जो सामने है ये कार्ल इनग्रम ही तो है. And indeed any of her heirs
isn't up to the task. I agree. इसको तो मैं यही मार दूं। ऐसे मैं डर रहा हूँ क्या? यहाँ तो कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं है। इतनी इसकी बकवास क्यों सुन रहा हूँ मैं इतना? इसको तो मैं ऐसे ही यहीं पे। हेलो भैया सरप्राइज। Finally gets what he deserves. Good riddance. Now let's get Marcus Stuyvesant. Okay. 47. Soon there will be no more problems. You need to find an exit. Oh, come on, come on, please. Reload mein mar jata. Exit is 28 meter here. कैसे निकलूं? कैसे जाऊं वहां तक? कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? ओ कुछ तो तरीका होगा। टूट भाई, कम ऑन। लोकेट द एग्जिट तो लोकेट कर लिया है। मैंने नहीं किया भाई, सच बोल रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। ये एग्जिट क्लोज्ड है, लॉक्ड है, तो मेरे को जो एग्जिट लेनी है वो नीचे है 31 मीटर्स। अबे हम नीचे कैसे जाऊं? मैडम आई एम सॉरी, लेकिन आई नीड योर कॉस्ट्यूम, वरना लोग पहचान लेंगे मेरे को। अरे अच्छा, लड़की है तो कपड़े नहीं पहन सकता, ये क्या बदतमीजी है। हेलो भाई, हमको आपकी गर्दन तोड़नी है और फिर आपके कपड़े भी चाहिए। वो ऑलरेडी सेम कपड़ों में है तो नहीं ले सकते। अरे यार, एग्जिट लंबी वाली एग्जिट क्यों लेनी पड़ रही है? हेलो मैडम, हेलो भाई। Do we have a visual? Where is Tango? Oh yes, almost there. Let's go. देखिए, I wasn't the sneakiest hitman, but I did my job. I did it. Sneaky नहीं थे हम ज्यादा, लेकिन हम मार दिए कॉलिन भैया को। हम Yes, done. ओह, 13,000 एक्सपी मिली है भाई, क्या बात है। मतलब इतनी सारी चीजें और थी जो हम कर सकते थे, उसको स्नाइप कर सकते थे, और भी बहुत तरीके थे। देखिए यही है ना, हिट एज अ हिटमैन यू गेट अ लॉट ऑफ यू नो ऑप्शंस अपनी किल करने के लिए, लेकिन हमने खुले में जाके मारा है भाई, डरते हैं किसी से। अगली बार हम इस मिशन को थोड़ा सा स्नीकीली करेंगे, बिना किसी के नजर में आए करेंगे, तो ज्यादा मजा आएगा आई गेस। और अभी तो मैंने सिर्फ एक को ही मारा था, गेम पूरी खत्म। अच्छा, पूरा मिशन खत्म नहीं हुआ, रीप्लान मिशन भी कर सकते हैं और नेक्स्ट भी कर सकते हैं। न्यू लोकेशन मास्टरी अनलॉक। ओके 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 भाई, ओके चलिए। द मैन बिहाइंड द कर्टन। अच्छा जी, अब क्या होगा? इतने बड़े बंदे को मार के आए हैं तो कुछ तो अब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। That's your winning face. I'd hate to see. एक बार सारे लाइक मार देंगे तो मजा आ जाएगा। Underestimated the constant. Yeah, he's a glorified desk clerk. He's not just after the money. He wants it all. भाई क्या परफेक्ट एकदम सेक्सी बॉय है। And chiseled एकदम। Well, we're not the ones who let him escape. You still don't trust her. नहीं। I don't like executive decision makers. Look. You don't have to follow her, you know? Soon, this will be over. अच्छा जी। Maybe it's time to think about the future. नहीं, हमें फ्यूचर की परवाह ही नहीं है। You have to face the possibility that there's no going back.
If the ICA knows what you did, she'll make it right. अरे खुले में मार के आए हैं सबको, हम डरते हैं क्या किसी से? We have a fix on Carlisle. Come on. अच्छा स्टार्टिंग में जो वॉइस ओवर कर रहा था वो वाला बंदा था, अंडरग्रेजुएट भाई ने मस्त मैसेज भेजा है, भाई तुम्हें अगर रियल लाइफ में हिटमैन की जॉब मिले तो मत लेना, घुसने से पहले ही मर जाओगे भाई। बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। How did you? I have everyone's notes. You really ought to know by now. You planned this. Obviously I did. Oh yes, ma'am. Don't be silly. I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? We handed you an empire. It's for the best. The partners were complacent, set in their ways. Okay, ये अभी कौन है फोन पे ये नहीं पता हमें, at least मुझे नहीं पता। Agent of change. Surely you understand, or you will soon enough. Gaming Fever भाई, welcome to the stream. Oh, we have so many new members. Adit Gamer, Harshad Darji, Princess Gold Gaming, सभी को welcome to the pro gang. Continue story, death in the family, how the mighty fall, bird of prey. Okay, let's go. It's time for the next mission, I guess already. नहीं अभी तो है, अभी कुछ तो बताएंगे हमें करना क्या है. End of the line. वो फोन कॉल जो आया वो आई गेस इनकी लीडर है शायद. Carlisle's lost an empire. You fall hard enough. हम दोनों पार्टनर हैं ये दोनों. Reminded of what truly matters. So, the end of the line. End of the line. Yes. You ready for this? इसके बाद हम हिटमैन वाला नौकरी छोड़ देंगे भैया. Who will you be without a score? इसका मुंह देखो यार. I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Christine Carlisle. Alexa Carlisle is dead, according to the funeral Alexa, invitation, that is. Stop. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlisle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlisle legacy. मरी हुई जिंदा हो गई. Monster, but you have to admire her due diligence. Carlisle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her okay. great grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. अब हमारी अगली टारगेट है कार्लाइल जी. Most senior of the partners, Alexa Carlisle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II. Qurban Khan, welcome, bhai. Welcome to the stream. Meaning that this gentleman is the birthplace of providence. भुवन भाई कह रहे हैं भाई आपका बहुत बड़ा है दिल, थैंक यू भाई. एंड इट एंड्स हियर. टॉक अबाउट पोएटिक. वन मोर थिंग, अकॉर्डिंग टू आवर इंटेल, कार्लाइल कीप्स अ केस फाइल ऑन द कांस्टेंट, इंफॉर्मेशन दैट मे बी हेल्पफुल इन हिज रिकैप्चर, सो डोंट लीव द एस्टेट विदाउट इट. राइट, एलिमिनेट अलेक्सा कार्लाइल. इजी मैन. ये बुजुर्ग आंटी तो क्या ही कर लेगी हमारा, इनको तो हम ऐसे नींद में भी मार देंगे. देखिए अभी हम थोड़ा सा हैं नूब हैं, तो हम जो है थोड़ा खुले में जाके मारने के लिए चले जाते हैं. मैं इस बार डिफिकल्टी जो है वो कैजुअल करनी थी. अरे यार, अच्छा देखो, टारगेट अलेक्सा काइल, फाइंड द केस फाइल, ऑब्जेक्टिव फाइंड द केस फाइल. मेन ऑब्जेक्टिव है केस फाइल ढूंढनी है. The Carlisle family's home for countless generations. Okay. अच्छा, आप घर में फाइल ढूंढनी है. The Revenant Alexa Carlisle and her three adult children, younger brother Zachary, grandson and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlisle's sham funeral. Curiously, Carlisle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Okay. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. What about Bapre? Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears.
सेक्सी बॉय भाई बाइक से उतरे है. Oh, let's go. Okay, so basically वो ये कह रहे हैं कि जो घर है उसके आस उनको पता है कि हम आने वाले हैं, ठीक है. एंड बहुत सारे उनके घर के मेंबर्स वेम्बर्स बताए, तीन बच्चे हैं, भाई है वगैरह वगैरह. और उन्होंने एक पीआई क्या होता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर भी हायर कर रखा है. एंड अब हमको एज यूजुअल बिना किसी औजार के, अरे वाह इस बार गन दी है हमें, तो कार्लाइल जी को एलिमिनेट करना है. ये है टारगेट अलेक्सा कार्लाइल और फाइंड द केस फाइल, ये करना है हमें. और उन्होंने घर के आसपास भी खेतों तक जो है सिक्योरिटी बिछा रखी है, ये उन्होंने बोला है. भाई मैंने गेटिंग ओवर इट मोबाइल को 2 मिनट में कंप्लीट किया है, मेरे चैनल पे रिएक्शन दे दो. XEBG भाई साहब 2 मिनट में भाई ओपी हो भाई तुम तो. ओके तो गेट पर ही हमको एक इन्वेस्टिगेटर दिख रहा है. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. Okay. I'm curious why he's here. ये इन्वेस्टिगेटर है. You should do some detecting yourself, 47. Okay, अब हम देखिए गाइस, पिछली बार हम थोड़ा सा योलो हो गए थे, इस बार थोड़ा सा अकल के साथ खेलेंगे, ठीक है. फॉलो ओके. सो वो जो पर्सनल इन्वेस्टिगेटर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, हम वह साइड से ही जा सकते हैं, मेरे को क्या दिक्कत है. मतलब दरवाजा रखा भी क्यों है जब पूरी दीवारें टूटी हुई हैं, कहीं से भी घुस जाओ. वो इन्वेस्टिगेटर, अरे जाना पानी में क्या हुआ, कपड़े गंदे हो जाएंगे क्या, इसलिए नहीं उतर रहा, क्या बकवास है. इधर से तो पार लेगा. हाँ ओके. तो किसी को आइडिया भी, ये भी नहीं पता कि ये जो इन्वेस्टिगेटर है इसको क्यों बुलाया गया है. Whoa. I've got eyes on Tango. Over. Please advise. That's it. I've had enough of this. मैं restart करना चाहूँगा. Restart. देखिए हमको योलो नहीं बनना है, हमको शांति से जाना है बिना किसी को दिखे. पर मेरे को समझ नहीं आया, वो सामने खड़ा हुआ था पुलिस वो वाला बंदा, तो मैंने सोचा उसकी गर्दन तोड़ के उसके जैसा बन के चले आऊंगा, पर हम गलत कर दिए. बार बार थोड़ी ना स्टोरी शुरू होगा. मैं I have an appointment with Madame Carlyle. Priya Johan, welcome to the Pro Gang, Priya. Vlog with Pritish, also welcome. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. हेलो भैया, जरा खेतों में तो आओ. कॉइन है भाई, मेरे पास कॉइन है, समझ गया मैं. Oh, by the way, I told Kate about this text. What did she say? Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me, said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. चलो चलो, अब तुम में से एक जाओ जरा. She's a sensible woman, and that stuff from your ex was like manipulation 101. I know, I know.
I guess I thought she was gonna read into them and freak out. यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, कोई गाड़ी भी यूज़ हो सकती है. Shit, man. Caroline really did a number on you. ये आ रहा है ना? हाँ, ये अलग जा रहा है ना? ए आओ भैया, ए भैया सिक्का है यहाँ पे, बस कुछ नहीं है. Man, we might have a situation. क्यों? I'll check the perimeter. Over. अरे सिक्का ही तो था, जरा आके देखो एक बार कहाँ है, कौन सा सिक्का है. हम बस तैयार रखते हैं रस्सी तुम्हारी गर्दन तोड़ने को. ये तो किसी ने नहीं देखा, ये किसी ने देख लिया, मैं नहीं खेल रहा फिर. देखिए हम गन नहीं रखेंगे हाथ में, अच्छा नहीं लगता है. और वो झाड़ियों के पीछे है, दिख भी नहीं सकता. तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, सेफ भी हो गई गेम. इसका मतलब हमने बिल्कुल सही से, देखिए अब हम जो है एक्चुअल वाले हिटमैन बनेंगे, चोरी चोरी छुप के मारने वाले, वो सीधा योलो वाले नहीं. पीछे दरवाजा खुला है. Life can be tough sometimes. And that detective asked to come. Do I know you? I don't know you. That's enough! Don't touch that! Get your hands off! Prepare to die! Mama! Oh, safe to ho gaya tha na, lekin. तुम्हारी मम्मी के घर गए हम, चलो भागो यहाँ से, चलो निकलो. यार ये इन्वेस्ट वो वाले बॉडीगार्ड लोग देख लेंगे तो फिर पकड़ लेते हैं. ओह खुली खिड़की मिल गई भैया, मजा आ गया. आहा लेट्स गो, खुल जा. ओके खुल जा भाई, खुल जा. यार चाबी नहीं है, शिट. बट ठीक है, आई थिंक सही किया मैंने जो भी किया है. ये भी नहीं कर सकता मैं कुछ, इसके अंदर जा सकते हैं. अरे अरे बंद हो जा. सिक्का फेंकूंगा ना यहाँ पे तो आएंगे ये, मेरे को लग रहा है. अरे वाह, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. चाबी के बिना कैसे जाऊं? इन तीनों को मार दूं? ऐसा बूम बाम बीम बाम. नहीं यार नहीं मारना इन तीनों को, शांति से जाना है, शांति से. अरे स्टाफ रूम है, लेट्स गो. ओके ये वाला बंदा अकेला है. नहीं वहां पे आंटी है, थैंक गॉड देख लिया मारने से पहले. यहाँ वो आंटी है. अरे ये तो उनकी फैमिली के कमरे तक भी पहुंच गया मैं. नहीं वहां अंदर जाऊंगा ना तो वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे. ओके सांस लो भाई, सांस लो. सही है, पिकअप स्क्रू ड्राइवर ले लो. कोई अंदर आएगा तो उसको हम मारेंगे, उसका हुलिया लेंगे, फिर बाहर निकलेंगे. आई थिंक वहां पे मैंने बटलर देखा था.
ये क्या है? फ्यूज सेल. ओके, बटलर बन गए अगर हम तो भी इजी हो जाएगा. Cannot blend in, too suspicious. Obviously, मेरे को सफाई वाला बनना है. यहाँ पे मैंने बटलर देखा था for sure. बटलर भैया, बटलर. ये तो नैनी है. Hi, sexy boy. Rebecca? Yes. भाई बच गया, पहचान जाते. पूरा बटलर, मैंने कहा था ना मैंने बटलर देखा है. हाँ बटलर, आजा भाई, आजा 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 आजा. नहीं 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 नहीं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं. ऊपर जा सकता हूँ लेकिन पहले मेरे को हुलिया बदलना है. ओफ 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 ओफ. यहाँ पे सिक्का अगर मैं फेंकूं और फिर इसके अंदर घुस जाऊं और फिर मैं वेट करूं कि कोई आए और फिर मैं उसकी गर्दन काट दूं. एक्चुअली बुरा आइडिया नहीं है. कोई तो आ रहा है, आवाज से लग रहा है कोई चल के आ रहा है. आ गया आ गया आ गया. Yes. And I'm a be like, surprise, sir. I'm a disguise like you. Then I'm a drag you. I'm a drag you. Put in the bin. Here, sir. जाओ आप इसके अंदर. थैंक यू. एंड अब हम बटलर बन चुके हैं. सिक्का उठा लेते हैं. या अब कोई नहीं पहचानेगा फॉर श्योर. अरे मम्मी डरा देते हो यार. ओके, मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूं. एंड अब बटलर को तो कोई नहीं सस्पेक्ट करेगा ना. कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं. ये येलो येलो साइन आ रहा है उसको देख के मेरे को लग रहा है बटलर को सस्पेक्ट कर रहे हैं. मेरे हाथ में सिक्का ही तो है भाई. क्या मैंने क्या किया यार? ये लोग चाहते ही नहीं है कि मैं शांति से खेलूं. प्लीज प्लीज, मैं नहीं हूं. मैं हूं ही नहीं. मैं गोली निकाल लूं पहले. मैं नहीं हूं. मैं पड़ोस वाले घर में भाग गया. अरे मेरे को किसी के कपड़े चाहिए यार. यार ओ, आ गया आ गया. He's right there. किसी ने नहीं देखा. मैंने किसी का मर्डर नहीं करा है. ओके, we lost the target, damn it. What? Boot up. कहां गया वो? कौन था वो? कहां है वो? बताओ मुझे, मार दूंगा. I suggest you leave the vicinity. Ace. Okay. कौन था वो? What are you, some kind of troublemaker? Did you do this? पागल है क्या? मैं क्यों करूंगा? मैं तो तुम्हारे साथ हूं. Who the hell was that? कौन था वो? Was that command? Okay. कौन था वो? कौन था वो? कौन था वो? अरे कौन था वो? कौन था वो? करते करते ऊपर भाग के आ गया मैं. अरे मस्त है मस्त है. किसी को कुछ नहीं पता चला. It's okay guys, it's okay. That was a minor hiccup. हो जाता है. मैं बटलर नहीं बन रहा, मैं सिक्योरिटी वाले की ड्रेस में ठीक हूँ. कुछ पहचानते नहीं है वो. अरे और ऊपर, कितनी ऊपर रहती है मैडम? कितना बड़ा घर है भाई. हेलो,
यार इस वाली मैडम को सीधा सीधा मारने में मजा नहीं आएगा. आई नीड अ स्नाइपर गन एटलीस्ट. आह क्या हुस्न परी बनाया ये रब ने. मजा आ गया. उसने सुना नहीं. ओके ना 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 कुछ भी नहीं था ब्रो. इट वॉज नथिंग ट्रस्ट मी. अरे आंटी को मारो. अरे मैंने मार दी थी वो मैडम कार्लाइली थी. शिट ऑलमोस्ट हैड हर ब्रो. नो वो मर गई थी वो मैडम कार्लाइली थी वो जिसको मैंने भाग के मारा है पीछे. ओके ओके इट्स ओके. एटलीस्ट वी नो कि हमें. हे एक्सक्यूज मी कैन आई हेल्प यू. अरे पीछा मत करो मार के गाड़ देंगे. अच्छा फिर मरना ही है इतना तो आ जाइए. आ जाओ तुम्हें तो पता ही है हम इस कमरे में हैं. आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाड़ देंगे यहीं पे जमीन में 10 कोस नीचे. अरे I could listen all day. He pours emotion into that instrument. You have a way with words, Dan. मेरे को ना कुछ कोई बंदा चाहिए जिसके कपड़े पहन सकूं मैं. हेलो दीदी. ओके बटलर नहीं बनेंगे इस बार सीधा सिक्योरिटी. अरे मैडम तुम क्यों मिल जाती हो हर जगह. इजी सीढ़ियां नहीं चढ़ेगा ना. चढ़ आराम से ऊपर तो कोई नहीं है ना. हाँ कोई नहीं है. ओहो ओहो American. On earth are you doing in this shithole? You're like you belong to London. I bet you're a great dancer. Oh, but yeah, yahan pe na ek sikka gira pada. I don't like dancing. What about restaurants? You like food? I know some great places. You should come visit. Arey, aapko sikka nahi chahiye ka? Idhar to koi nahi hai na. I don't know. Hey you, stop right there. You have no business here. अरे मैं तो इसकी बॉडी तोड़. अरे यार किसने देख लिया. किसने देखा भाई. किसने देखा. पर किसी ने देखा भी तो नहीं है अभी तक. यहाँ तो कोई नहीं था. Watch out, watch out! Come on, we're not gonna leave him
might have seen. कुछ समझ ही ना आ रहा अब पिल्ले में ही मारेंगे अरे दूसरी गन कहाँ है भाई ये पिस्टल ढप 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 वाली है I need somebody to disguise as यार हेलो बाथरूम में कोई है अरे अंधेरा छा रहा है मरने मरी गए यार मेरे को लगा वहां नहीं था कोई एकदम से उसने कैसे पकड़ लिया यार थोड़ा और हमें हैराब चाहिए ओके अभी ठीक क्या बन गया हूँ मैं बटलर बन गया हूँ इट्स इजी अभी हाथ में सिक्का रखेंगे अब मैं बटलर बन के ये तो लेके जा ही सकता हूँ ना प्लीज कैन नॉट विजिबल आइटम्स नॉट अलाउड अच्छा अच्छा ओ गन विजिबल है तो गिरानी पड़ेगी You and me both. अरे इस ठेले को लेके नहीं जा सकता क्या मैं यार ये तो गलत है अरे तो ये गन तो दिखती रहेगी हमेशा एक्चुअली में अब मैं समझ गया कि मैं क्यों बार बार पकड़ा जाता हूँ क्योंकि मेरे पीछे गन लटकी हुई है एकदम नॉन सस्पिशियस वे में तो मेरे को इस गन को गिरा देना चाहिए ईजीएस्ट यही है क्योंकि ये बहुत बड़ी गन है और ये हमेशा दिखती रहेगी अभी सही किया ना चैट अब समझ गया मैं इतनी देर से तुम क्यों बोल रहे थे जेड दबा के गिराओ मैं हो गया ब्लेंड इन भाई मान लिया उन्होंने मैं यहीं कहूँ हेलो सर हाउ वुड यू लाइक मी टू हाँ देख अब नहीं पहचान रहे वो अबे वो गन की गलती थी मैं थोड़ा स्लो हूं ना गाइस मैं मेरे को टाइम लगता है समझने में हाँ मैं तब भी सोच रहा था इस आंटी को क्या तकलीफ है You look tanned. I bet Mother spent the last week at her Cypress estate. Am I right? I'm not at liberty to say, ma'am. Oh, come on. I need to know what's going on. It affects me too, you know. Oh, my God. Are you nuts? How could you even think that would work? कुछ सफाई करने लग जा भाई How's everything coming along, Lynn? Very well, Mr. Ferguson. Make sure you put it on. Sirs, आप मुझे मारेंगे तो नहीं Sirs, I am just a cleaner. मैं Just here to clean. कुछ blend करने के लिए दो ना Cannot blend in.
मुझे थोड़ी सी सफाई वगैरह का कुछ तो जैसा नीचे दिखा था होगा ना, तो फिर मैं ब्लेंड हो जाऊंगा। अरे झाड़ू उठाना, ये क्या उठा रहा है? हाँ। So how long have you been working here? About a month now. You're American. What on earth are you doing in this shithole? Get like you belong to a club in London. अरे क्या कर रहा है? नहीं, अब कोई देख लेगा, पकड़ लेगा। What about restaurants? You like food? I know some great. Sir, आप अपनी बंदी के साथ बिजी रहिए। Yeah. I'm just here to clean. Just here to clean, sir. सफाई वाला झाड़ू ही रखो हाथ में। सर मैं बाथरूम की सफाई कर रहा हूँ। ओके सर। हेलो मिले जी, आप अपनी सफाई करिए, मैं अपनी सफाई करूंगा, हाथ की सफाई। ओह हुस्न परी। ओ शिट यार, इनके बीच में जाने में डर लग रहा है। What's up, house boy? मैं चुप गया। मैं नहीं हूँ। वो तुम्हारा भ्रम था आंखों का, वो कोई और था। वो कोई और था भाई, वो मैं नहीं था। हो गया ना, हो गया। इसके ऊपर एक और सीढ़ी आती है, वहां जाना था। एक सेकंड, वहां वाली सीढ़ियों से मैं आया। एंड लास्ट टाइम मैं गलती से चला गया था उन सीढ़ियों पे। अब वोरी। For centuries, the Carlyles have fought to prosper. All of us. वो आ गई, मिल गई मैडम। बोरी मैडम। We could crush them all. अरे वो ही है। इसको मारूं कैसे? अरे सफाई करना भाई, तू भी कुछ तो सफाई करने के लिए दो, हम भी सफाई करेंगे। कैन नॉट ब्लेंड इन, का है नहीं साफ करना भाई, कुछ साफ सफाई कर। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे साफ सफाई करने का। अब मैं यहाँ से आगे जाने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को पकड़ लेंगे। ओके, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, आई गेट इट। ये तो सामने बंदा है, हाँ इसको मारूंगा मैं, इसके जैसा बनूंगा मैं। इसको मारेंगे हम फाइबर वायर से ताकि शोर ना हो। जहां पे कोई देख ना रहा हो। ओके आई हैव एन आइडिया, अगर मैं सिक्का लेके ठीक है, मैंने आगे को मारा सिक्का। अबे वहां कोई और भी है। अबे यार ये तो ओके। अच्छा आस की चल रही है। अभी आई थिंक इस डिसगाइज में वो मेरे को नहीं रोकेंगे। ना ना ना, मैं हूं ही नहीं यहां पे।
आप अपना काम करो. ओके प्लीज प्लीज मत रोकना, प्लीज जाने देना, प्लीज जस्ट लेट मी गो. हेलो सर. हाँ जी सर. ओह सैल्यूट करके जाने दिया. अभी मैं यहाँ पे खड़े होके सोचता हूँ कुछ, लीन करके. ओके तो दो बॉडीगार्ड खड़े हैं इधर. एक बॉडीगार्ड अंदर, एक वहां पे. अरे वो तो मैं हूं. और मैडम कार्लाइल इधर थी. मैडम कार्लाइल को मैंने यहाँ पे आते हुए देखा था. ओके ये मैडम कार्लाइल का बेडरूम है जहाँ पे वो सो रही हैं. नहीं ये तो अंकल जी हैं. तो मैडम कार्लाइल का है. हाय हैंडसम. केस फाइल तो मैडम कार्लाइल की यहीं मिलेगी पक्का. कमोन 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 कुछ तो मिल जा. व्यू इंटेल जैकरीज लैपटॉप. अ लैपटॉप इन जैकरीज कार्लाइल्स बेडरूम शोइंग दैट जैकरी वाज शॉपिंग फॉर वेलिंगटन बूट्स लास्ट नाइट. ओके पर इससे मेरे को क्या फायदा हुआ. जैकरी सुसाइड नोट. अच्छा ये मर चुका है बंदा. ओ इसीलिए. ओ गॉट गॉट सॉरी भाई जाकरी भैया, बहुत अफसोस हुआ आपकी मौत हो गई. उसकी बॉडी तो उठा दो कम से कम, एज इट इज रखी हुई है गधे लोगों ने. अगर यहां पे नहीं है केस फाइल तो सामने वाले कमरे में देखिए हम सब ओके पुल बुक. ओ लेट्स गो. फेस आई वंडर व्हाट यू वुड डू. अटैक, रीग्रुप, close the gates and wait it out. Iski case file to isi kamre mein honi chahiye. Nahi nahi main andar kyun ghusu bhai, abhi to time hai dhoondne ka. एक सेकंड वेट, मैं बाहर आ गया क्या? अबे इतना घूम घाम के बाहर आ गया. नो वे. मैडम कार्लाइल तो इधर दिख रही थी ना पीप होल से. सर तुम लोगों को अजीब नहीं लगा कि मैं इधर से गया और वहां से बाहर आया? I'm not sure I know who you are. नहीं यार मैंने इतने मेहनत से सब कुछ सही करा. You accountable for this mess? ओके ओके बच गए बच गए बच गए, सब गलत नहीं हुआ. इट्स ओके इट्स ओके, सब गलत नहीं हुआ है अभी भी. इट्स ओके और किसी ने नहीं देखा सिवाय इस अंकल के.
सॉरी भैया आपको मारना पड़ा, हम मारना नहीं चाहते थे लेकिन का करें। अरे मैडम कार्लाइल हमारे सामने से निकल के चली गई यार। केस बुक कहाँ से ढूंढे, केस फाइल, केस फाइल इधर इसी कमरे में तो होनी चाहिए। यहाँ तो इस कमरे में होनी चाहिए। सीक्रेट रूम अभी भी वहीं खड़ी हो गया मैडम? नहीं इधर नहीं है। केस फाइल, केस फाइल प्लीज, केस फाइल इधर ही कहीं मिल जाना। ठीक है केस फाइल इस कमरे में नहीं है तो सामने वाले में होगी, यही हमारी बुद्धि कहती है। और गन हाथ में क्यों रखी हुई है मैंने? लेट्स ट्राई टू एक्ट एकदम नॉर्मल। Aaron Ford Jr. calling from Morgan Yates and Cohn. I need to get a listing of asset transfers from the Carlisle account, HTC Depot number 5085. No, I need it immediately. Yep, I'll hold on. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. सॉरी भैया आपको मारेंगे तभी तो केस फाइल मिलेगी। अच्छा हाँ, पहली बात आपको यहां से भगाना है। अब हम लॉयर बन गए हैं, वाओ। पिकअप एप्पल और एप्रिकॉट से क्या करूंगा मैं? अब ये इन्वेस्टिगेट कर भाई, यहाँ पे कुछ मिलेगा प्लीज, कह दो केस फाइल है। This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47. अच्छा मैडम कार्लाइल को नहीं मारना, सब कुछ कह रहे हैं आर्थर ने चुरा लिया मैडम कार्लाइल से। ये तो गेम ही बदल दिया अब इन्होंने। लेकिन बाहर में सिक्योरिटी वाले पर वो लॉयर के साथ तो मिल लेगी। यही बात है ना, अब मैडम कार्लाइल को कहां ढूंढू मैं? अरे ये सिक्योरिटी वाले उसको नहीं कह रहे थे सिक्योरिटी वाले को कुछ, लेकिन मेरे को मारेंगे ये, अब मैं क्या करूं? हाँ मैडम कार्लाइल को ढूंढना पड़ेगा। अब मैडम कार्लाइल नहीं मारनी है हमें। मैडम कार्लाइल तुसी कित्थे हो, एत्थे हो? अबे यार अब ये चप्पू लोग मेरे को जाने नहीं देंगे आगे। हेलो Madam Carlyle. I've received more information about your situation. Mr. Ford, we can't talk here. तेरे को शकल नहीं पता चल रही? I will be there shortly. अबे तेरे ऑफिस तक कैसे जाऊं मैं? तेरे वो बॉडीगार्ड मेरे को मार देंगे। उफ, बच गया ah. You've been hurt. Son of a bitch. Oh, help! For heaven's sake, I need help. Madam, I came to help. अरे तो मैडम आप क्यों भाग रहे हो? बॉडी मिली है, मिली भी है तो, मैं तो आपको सच बताने आया हूं।
aware that you are trespassing. Stay low, don't move. Don't move up. Stop. Take him down. मुझे मरना है। मैंने सब कुछ सही करा यार, मैडम कार्मेल को मार ही देता इससे बढ़िया तो। मैंने तो उसकी जान बचाने के लिए कितना कुछ किया। बावली बुढ़िया मुझे ही मार डाला। देखो ये लॉयर बनेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनकी डेड बॉडी को कहाँ फेंकेंगे उसको पता ना चले, बाहर फेंक देंगे। This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Arthur Edwards ने चुराया है सब कुछ। यहाँ से खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं ना। हाँ चलो चाचा हवाई जहर पे। और तुम्हारी तुम्हारी भी बारी है। That alarm? I'm gonna check it out. Over. Oh no! What was that? Hey, I need help. Hello. Please. Help, help! क्या कर रही है अभी? एक और आ रही है body. इसको भी पकड़ो. Someone. Someone. Oh. I'm dead. I don't know. Come in, command. Shit just got real. Be ready. और यहाँ मैडम कार्लाइल मिली थी पिछली बार, अब नहीं मिलेगी। मैडम कार्ली। Sorry sir, you don't appear on my list, so you need to go. अबे लॉयर हूँ मैं बे उसका। कार्लीटो मैडम। Hi there. Hello, hello. अरे कार्ला मैडम किधर हो? आओ कभी गपशप करें, मैं वरना आपको मार ही देता इससे बढ़िया तो। फालतू में लॉयर की न्यूज रिपोर्ट पढ़ के पता चल गया कि आपकी तो सारी जायदाद आर्थर एडवर्ड ने चुरा ली। आ गई आ गई आ गई। हाँ फाइनली आ जाओ आ जाओ कार्ला मैडम आ जाओ। I've received more information. हाँ जी your situation. हाँ जी Ford, we can't talk here. Go back to your office. चलिए 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 आइए ऑफिस में आइए मेरे। ये इसको मैडम बोलो मेरे पे गंदी नजरें डालना बंद करे। मैंने किसी को कुछ कहा भी नहीं है इस बार तो, मारा भी नहीं है, सबको छोड़ दिया है, वरना गन निकाल के सीधा भी मार सकता था मैं। अरे जा ना चाचा, क्या देख रहा है, किसको घूर रहा है, आंख दिखाता है। गया। यस यस। हेलो यार्स, लुकिंग गुड टुडे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे ही बहुत हैंडसम है हम। मैडम देखिए बात ये है। Verdict, Mr. Ford. Undoubtedly some of my assets must be safe. No. Everything is gone. आपके सब पैसे गए। Thornbridge Manor, surely. That too. But that's not possible. आपके सारे पैसे आर्थर ने चुरा लिए हैं। I'll kill him. मार डालो। Where if it's the last thing I do. मार दो उसे। Thank you. सेव हो गई गेम। हाय रब्बा। कमरा तो मेरा है, आप जाओ। अब मैं इसको मारू ना मारू, मेरा मिशन क्या है अब? अपडेटेड मिशन। Should I kill her or not? मेरे को बताओ तो सही। अब मेरे को तो ये पता चल गया है कि इसकी तो कोई गलती नहीं है, इसका तो सारा पैसा आर्थर ने चुरा लिया है, पर मैं इसको यहाँ पे अब मारू या ना मारू, मेरे को ये कंफ्यूजन है भाई। अब जो चैट डिसाइड करेगी कि इसको मारना है या नहीं मारना है, तुम बताओ कार्ला मैडम को मारा जाए या ना मारा जाए। जो भी पहला आएगा, आई थिंक सो किल, मार दूं। गई कहाँ है वो? तो फिर लोड करते हैं ना वापस जहां पे इससे बात हुई थी। देखी जाएगी भाई कार्लाइल आईली मैडम। थैंक यू मिस्टर फोर्ड, दैट विल बी ऑल। ओके मैडम,
Bye-bye. That's Madame Carlyle taken care of. Time to get the file on Arthur Edwards. अब आर्थर एडवर्ड्स वाली फाइल चाहिए अपने को. वो कहाँ ढूंढे? अरे अब तूने मेरे को रोका ना ऊपर वाले. अरे इतना मारूंगा ना. No need to panic. क्या बोल रहा है बे? जानता है कौन हूं मैं? Forget his eyes. They were so swollen, it didn't even look like Zachary. Are those the files? बहुत चमक रहा है कुछ. क्या है तो यही है. I don't know. ये तो answering machine है. Carlyle certainly doesn't. Hello, this is Cassandra Cox, Edward's ex-wife. Detective to come here. I don't know what's going on at your house. Can you shut up? I am listening something. Not that I saw. He seems to believe that Alexa has come back from the dead, and that he has to write the eulogy for some make-believe funeral event. I still have the restraining order on him, so whoever gets this message now that Alexa is dead, better get him under control. Otherwise, I see no other way than to get the police involved. Bhaiya, have you seen any case files? No? Okay. No worries. कोई दिक्कत नहीं है. बाथरूम में तो मेरे को नहीं लगता आर्थर की केस फाइल्स हमें मिलने वाली हैं. तो इधर से चलते हैं. ओ मैं डर गया था. मैं ऐसे करके आया एंड आई वाज लाइक एक कौन आ गया एंड फिर आई वाज लाइक आहा ये हुस्न परी ये जाने जिगर ये तो दिल भरा हुस्न की रानी हम ही है. राधिका वाडलकर ह्यूज फैन ट्रिगू. अरे राधिका थैंक यू सो मच राधिका. Pick up letter to Rebecca Carlyle. उठा लो भाई. Hello madam. अभी किसी को मारने की जरूरत नहीं है. अपने को सिर्फ केस फाइल ढूंढना है और निकलना है. क्या ये है केस फाइल? क्या नहीं रेडियो ऑन नहीं करेंगे सारे भाग के आएंगे और हम पे ही सस्पेक्ट हो जाएंगे. उसको हम पे सस्पेक्ट हो उससे पहले हम भाग लिए. ओह आई गेस सही जगह आ गए. पिक अप एप्पल. हाँ हाँ श्योर अब तो हम सेब खाएंगे. वाओ क्या मस्त पीस ऑफ आर्ट है. पिंकी पटेल वेलकम टू द प्रो गैंग पिंकी. ओह मिल गई केस फाइल. ओके विद अ सीक्रेट मैकेनिज्म फॉर अनकवरिंग इट. Breaking your nose. 3, 2. Wait, what? Kaun hai? Okay. Uthao bhai jaldi. केस फाइल का है? केस फाइल का है? ब्लू ब्लू यही तो बना रहा था. सब कुछ एकदम शांति से कर लिया. एंड में आगे हग ही दिया मैंने. चल निकल. चल तू भी चल. अरे पर केस फाइल वाला ब्लू ब्लू मारकर तो इधर ही बना रहा था. यार नो नो नो. Find them, he's here. I know it. I hear you.
अरे फाइंड द केस फाइल वाला ब्लू मार्कर इधर ही तो था। मैं अरे अरे गोली की उठा रखी है मैंने इतने चौड़ में, दिख जाएगा फिर। यार बट आई स्वेयर वो ब्लू वाला मार्कर जो केस फाइल वाला है वो यही आ रहा था। एफ पिकअप गन जिसको नीचे फेंक दिया उसके पास तो नहीं था? डोंट टेल मी जिसको धक्का देके मार दिया मैंने नीचे। You strike me as independent and self-sufficient, taking a break when family might see. Perhaps you also perceive. I'm pretty sure जिसको मैंने धक्का दिया है ना वो ही था केस फाइल वाला। तो अब कैसे करा जाए? नीचे कैसे जाऊं मैं? वो डेड बॉडी को कहां लेके गया है? अभी तो नीचे ही ला रहा था यहीं कहीं। मेरे को उस बंदे को पकड़ना पड़ेगा डेड बॉडी वाला। Did you talk to mother? I haven't had the pleasure. She just clams up when I try to get next to me. वो बंदा कहाँ ले गया उसकी डेड बॉडी को यार? Believing her mother dead. नहीं 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 अंदर मत जा। बाहर ही चलते हैं। I mean she really talked her usual. मेरे को नीचे जाना है। वो बंदा जिसको मैंने धक्का दिया है वो ही था केस फाइल वाला चाचा। अरे नीचे जाने की सीढ़ियां नहीं मिलेंगी अब। How are you, sir? बस मर गया भाई सर। Can I please drop? नीचे कूद जा ना भाई, कितनी मुश्किल है। यहां से तो नीचे गिरेगा मरेगा भी नहीं। कूद जा। कूद जा नीचे नहीं मरेगा पक्का बोल रहा हूं नहीं मरेगा। आ जाना नीचे और कितना चलेगा और कूद जा नीचे इतने में नहीं मरेगा। वो याइक्स याइक्स किए जा रही है। अच्छा पाइप है पाइप से आएगा। गॉट इट। हाँ हाँ चल आजा एंड नीचे आ जा। On top of everything, Rosie thinks she's in love with young Patrick. वो कहाँ है भाई? वो उस डेड बॉडी को पैक कर रहा था। वो डेड बॉडी के पास है पक्का। रूम में लॉकर है उसमें है। ऐसा क्या? तो मैं नीचे आ गया डेड बॉडी के पास। Hello, sir. अरे यार। Yeah, hey, bro. अबे मैं तो ऊपर बिहाइंड पोर्ट्रेट। ओके रूम में लॉकर है बिहाइंड पोर्ट्रेट। ओके आई एम गोइंग। जस्ट कीप कॉम। हेलो सर। इस वाले रूम में वो ब्लू मार्कर इंफॉर्मेशन था भाई। आर मैं रीडू इट एंड लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। ओके आई एम स्टूपिड। कहाँ से रीडू? मैडम कार्लाइल को मारने वाले से। इसको मैंने मारा था इतने बजे 12:06 आई थिंक। यहाँ से मैडम कार्लाइल को धक्का देने के बाद ये था। यहाँ से रीडू करते हैं।
उनकी कन्वर्सेशन पूरी सुननी है. गॉट इट. वो दोनों कन्वर्सेशन कहाँ कर रहे थे? इधर यही तो बातें कर रहे थे ऐसी किसी जगह पे. अब एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है. हाँ मैं इस बेडरूम से निकल गया था, खुद को देख के डर गया था, फिर यूं गया था. इसके बाद यहाँ से ये मैडम को हेलो बोला, बाहर आया, इधर देखा, यहाँ कुछ नहीं मिला, फिर यूं गया. वो अंकल वो लड़की के साथ बातें करेगा, यहां से भागा. अब देखो ये तो बातें कर ही नहीं रहा किसी से. Dig this place. Ancestral graveyard, trophy room, and the office safe is hidden behind a portrait with a secret mechanism for uncovering it. It's got real soul. First time here? Yep. Yeah, it's impressive, all right. A safe in Madame Carlyle's office. I bet that's where she keeps the file on Arthur Edwards. ये doggy पे क्यों बना रहा है? ये dog पे क्यों बना रहा है? अगर Madame Carlyle के office में है, जो कि ऊपर है clearly. Hi. Hi. मैडम कार्लाइल के ऑफिस में ही तो थे हम. नहीं वो तो बेडरूम था. वेट, मैडम कार्लाइल का ऑफिस कौन सा है अब? यही तो नहीं है? मैप पे दिखता है कुछ? कोई नहीं, हम ऐसे ही चल चल के पहुंच जाएंगे. थैंक यू चैट में जिसने भी बोला था कि रीडू करके उनकी चैट सुनो, इट एक्चुअली हेल्प्ड. अरे यार ये बंदा मेरे को इतने सस्पिशियसली क्यों देखता रहता है हर वक्त? ये तो बेडरूम आ गया. ये राइट साइड वाला ऑफिस है, ये तो फिर वही ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं. अरे तू जाना अपनी मैडम आइटम के साथ बातें बातें कर, यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहा है? कार्लाइल का ऑफिस. डोंट डिलीट द स्ट्रीम. आई विल नॉट. चिल. जो लोग चैट में हेल्प कर रहे हैं, यू गाइस आर क्यूटीज एक्चुअली. मिस सृष्टि यू राइट. अच्छा ये वाला ऑफिस तो उसका ऑफिस था, लॉयर का आई थिंक है ना. पोर्ट्रेट, ये तो आई थिंक लॉयर का ऑफिस है. सो दिस इज नॉट व्हाट आई नीड टू डू. आउटसाइड से जाओ. ये ऑफिस है लेकिन ये उसका ऑफिस नहीं है. गो टू ऑफिस लॉकर. पासवर्ड. पासवर्ड क्यों बता रहे हो? पासवर्ड ना बताओ. आई हर्ड देयर कॉन्वो. हाँ हाँ आइटम्स फेंक सकते हैं मुझे पता है. अब ये वाला जो है ये तो आई थिंक ऑफिस नहीं है, ये तो बेडरूम है क्लियरली. मैडम कार्लाइल का ऑफिस. जस्ट अ लिटिल वन. हेलो मैडम कार्लाइल का ऑफिस है ये? ये तो बाथरूम है, ये भी नहीं है.
ऑफिस पीछे गया, ऑफिस पीछे गया यार, है तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग मैप है। It's a hell of a uniform you got there. चुप कर। अच्छा ये ऊपर से आ रही थी तो इसका ऑफिस ऊपर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। I think so. Greetings, sir. देखो ये ऊपर से आ रही थी। अब मैप पे दिया होना चाहिए ना ये कौन सी जगह है। हाँ ये देखो ना मैं सही जगह हूँ। अलेक्सा कार्लाइल्स ऑफिस, लेट्स गो। स्टैचू के पीछे। अलेक्सा चुप हो जा। अब तू मेरे को ऐसे ही देखेगा। कोई और तो नहीं है इस कमरे में। जाओ चचा कचरे के अंदर। ओके अब यहां पे किसी स्टैचू के पीछे। पासवर्ड मत बताओ, पासवर्ड तो मुझे खुद करने दो। दिस तो आई एम श्योर कि ये अलेक्सा कार्लाइल का ऑफिस यही है। CR7 Gaming, welcome to the Pro Gang. Bro. Pickup Bratholi shotgun नहीं उठानी मेरे को यार, अब क्या करनी है मेरे को यार। वो dog वाला वो जो था उसी के पीछे ही तो नहीं था कुछ, पता नहीं भाई। डॉग का फ्रेम को निकालो, उसका पीछे लॉकर है। अरे तो मैं कोशिश कर तो रहा था, ये हट ही नहीं रहा था उस वक्त। इसको कैसे हटाऊं? देखो ये डॉग का फ्रेम है। यार इस स्क्वायर में डॉग के फ्रेम की तरफ ही तो गया था सबसे पहले, पर इसके आसपास कुछ बटन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। डॉगी 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 भाऊ, डॉगी भैया हट जा। इसको कैसे हटाए भाई? किसी चीज से हटेगा? फायर से? ये तो फैक रहा है, स्क्रू ड्राइवर से भी नहीं खुल रहा। ठीक है, और इसके अलावा मेरे पास क्या है? लेटर ओपनर। दिस इज द टाइम टू स्टेप आउट एंड आइडेंटिफाई योरसेल्फ। नो नो देख गधा कहां से आ गया, ये को मारना पड़ेगा। कैमरा से स्कैन करो ब्र। अब ये चीज तो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता ना। इससे भी स्कैन करने से भी नहीं कुछ हुआ। सोफा पे है तुम, मेरे को लग रहा है मेरे मजे ले रहे हो सारे। अम्मा जी मैंने अपनी जिंदगी के 10 मिनट वेस्ट कर दिए बिना बात के।
I wonder if they might be some sort of a code. Maybe have a look around the office, 47. मैं नहीं, तुमने कोड बताया मेरे को, लेकिन मैं वो नहीं यूज करने वाला, मैं खुद ढूंढूंगा भाई। कोड ढूंढेंगे हम, खुद से ढूंढेंगे, ऐसे थोड़ी ना चलता है। यहाँ पे कहीं कोड पड़ा होगा, एप्पल पड़ा है, नहीं हमें एप्पल का कुछ नहीं करना है, नहीं इसका कुछ नहीं करना है। तेरी मूर्ति को उठा के फेंकू क्या मैं? कोड कैसन मिलेगा? मैं इसलिए नहीं पढ़ता चैट, पर फिर जब अटक जाता हूँ फिर पढ़नी पड़ती है। लेकिन फिर तुम देखो, तुमने मेरे को पूरी पूरा ये बता दिया कि कोड क्या है, ये अब इतना भी अच्छा नहीं बनना था। मुझे ढूंढने दो कोड, जरा पता तो चले कि कोड कैसे मिला खुद से, तभी तो मजा आएगा। ऐसे कोड तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? तू बहरा है, बाहर खड़ा हुआ बंदा यार। तो ये किताब में कुछ होगा, कैमरा निकालता हूं। अबे कैमरा उठाना भाई, ये कहीं कुछ लिखा है? अब तुम चार्ट में लिख रहे होगे, ऐसे मिलेगा कोड, ऐसे मिलेगा कोड। द कोड है 620, देख रहे हो 620 619। यार अब तुमने मेरे को कोड बता दिया है, तुम सब क्यों चार्ट में स्पैम कर रहे हो कोड? आई नो 1975 है कोड, लेकिन कैसे है, लेट मी फाइंड आउट ना। अरे चुप कर भाई, जरा खुद से भी ढूंढने दो, तभी तो मजा आएगा कि मिला कैसे है, कहां से मिला है। ऊपर जाके देख के आता हूं। नहीं, 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 हाँ यहाँ पे सेव हुआ गेम, तो मेरे को लगा शायद कुछ होगा। कहाँ से भाई? भाई सुनो सुनो, देखो 1975 कोड है, मैं मान गया, लेकिन 1975 कोड आया कैसे? सारे स्पैम करो 1975 1975। अरे कैसे 1975? उसने बोला ऑफिस में इधर उधर ढूंढो तो मिलेगा, तो ये बताओ ना कि कैसे मिलेगा, मैं भी देखना चाहता हूँ 1975 कैसे आया। कहीं लिखा होगा, कहीं कुछ होगा, उसकी बर्थ डेट होगी, कुछ तो होगा। ऐसे ही बस मैं जाके 1975 भर दूंगा तो फिर उसका पॉइंट क्या रह गया, समझते नहीं हो यार। यहां पे कोई वो खुलेगी अलमारी मिलेगा? नहीं भाई, यहां तो नहीं लिखा 1975। पोर्ट्रेट के ऊपर है, जाओ। अच्छा देखो, घड़ी, टेलीस्कोप, फायर और हिरण। घड़ी, टेलीस्कोप, फायर, हिरण। घड़ी, टेलीस्कोप, फायर, हिरण, इसका क्या मतलब है? घड़ी, टेलीस्कोप, फायर, हिरण। घड़ी, टेलीस्कोप, फायर, हिरण। घड़ी, टेलीस्कोप, फायर और हिरण। घड़ी सबसे पहले थी, किधर थी घड़ी? येरी। तो इसमें कुछ होगा ना, घड़ी में, घड़ी में लिखा है 620, फिर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किधर है? ए ए ए ए ए ए ए ए टेलीस्कोप,
हाँ वही तो कर रहा हूँ, घड़ी, टेलीस्कोप, फायर और हिरण, चारों के पास देखिए रहा, सेवन लिखा हुआ है फायर पे, घड़ी के पास कुछ लिखा होगा ऐसे ही, घड़ी के अंदर कुछ दिख रहा है क्या लिखा हुआ, कैमरा निकाल के जूम इन करके देखते हैं। घड़ी के ऊपर, घड़ी पे, घड़ी में ना मैन, आई डोंट सी एनीथिंग, घड़ी के अंदर, ऊपर, नीचे, कहीं भी। चलो घड़ी हो गया, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप किधर पड़ रहा है, ऊपर पड़ा है क्या, पूरा ओके, ये रहा नाइन, ठीक है, घड़ी, टेलीस्कोप, फायर हो गया और हिरण रह गया, हिरण भी ऊपर ही है क्या, हिरण 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 जैसा कुछ, ये हो सकता है हिरण, ये हिरण ही बना हुआ है, वो नंबर लिखा है क्या, अबे ऊपर तो जा ही नहीं रहा, देखो मेरे को सेवन और वो तो मिल गया, नाइन, अब पूरा 1975 नहीं मिल रहा, फिर मैं डाल दूंगा, फिर तुम कहोगे ये तो हमने बताया इसलिए किया, खुद से मिल नहीं रहा, पर एक्चुअली मैं इसमें कहीं पे वन लिखा ही नहीं हुआ घड़ी में, ठीक है, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है, 1975. Mission complete. Thank you, madam. Well done, 47. ठीक है, exit बता रही थी, मिली नहीं। भैया जाओ आसमान की सैर पे, ऐसे मन किया मैंने, मार दिया इसलिए, एनीवेज टाइम टू एग्जिट नाउ, डूट डूट टूरू रूट टूट टूरू रूट टूट टूरू रूट टूट टूरू टूरू, तुम्हारे पप्पा हैं हम, कर लिया आइडेंटिफिकेशन, pacify the bastard, bro, please, bro, please, उसे एक चप्पू ने देख लिया मेरे को, would have been the perfect escape but whatever, where is he, anyone got a visual, मर गया भाई, चल बसा दो मिनट पहले, where did he go, नहीं मिले ना, नहीं मिलेंगे, बहुत तेज है हम, पाइप उधर है, ठीक है, व्हाट आर यू अ चिकन मैकफ्लाई, बाय बाय, I think I have successfully escaped. उस एक बंदे को धक्का देने से मेरे पॉइंट्स थोड़े से कम हो गए, उसको बिना बात के मारना पड़ा मेरे को, जबकि मेरे को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, उसको बस ऐसे ही वो खड़ा हुआ था लेज पे, तो उसको धक्का देने में मजा आया तो इसलिए मार दिया। But yeah, Agent 47 has done it. Bye bye, Tada, goodbye. See you guys later. Oh,
नहीं नहीं मारना नहीं है मेरे को, बस तेरे कपड़े चाहिए। अरे इसके कपड़े भी नहीं ले सकता मैं तो, क्योंकि लड़की है। नेवर माइंड। हेलो कपड़े दे दो, मारेंगे नहीं तुमको, सिर्फ बेहोश करेंगे और तुम्हारे कपड़े ले लेंगे, क्योंकि हमको ना गार्डनर की ड्रेस में एस्केप करना था। देखो पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार मैंने कौन गोलियां चला रहा है भैया? Let's go! इस बार पिछली बार से ज्यादा पॉइंट्स मिलने चाहिए। इस बार मैंने बहुत सारी चीजें नहीं ढूंढी है। और भाई 18,000 एक्सपी मिला है, पिछली बार मेरे ख्याल से 10,000 कुछ था या 13,000 था, और इस बार एक्चुअली में लोगों को मारे बिना, ज्यादा योलो हुए बिना छुप छुप के करा है, एक्सेप्ट वो आखिरी बंदा जिसको जबरदस्ती मारा है, और वो जो एक की लॉक तुम लोगों ने बताया है, उसके अलावा सब कुछ ढंग से करा है मैंने इस बार। अभी अपुन अच्छा हिटमैन बन गया है, ठीक है? एक ही गेम में तुम फर्क देख रहे हो, आई हैव बिकम अ बेटर हिटमैन। और मेरे को अब एक जेन्युइनली बात बताना, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ कि इसके जो मिशंस है उस पर वीडियोज बनाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज बनेंगी, लाइक नेक्स्ट लेवल मजा आएगा, ऐसी वाली वीडियोज होंगी। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट स्ट्रीम की जगह वीडियोस बनाते हैं। अभी मैंने इंट्रो कर लिया इस गेम का और तुम लोगों को आई एम प्रिटी श्योर मज़ा भी आया, बिकॉज आई कैन सी द चैट, एंड अभी 10:30 हो रहे हैं तब भी अच्छी खासी वॉचिंग चल रही है, लाइक भी तुम लोगों ने ऑलमोस्ट 80,000 कर दिया है। फायर प्लेस पे 7 नंबर लिखा है, हाँ मैं कहते रहूँ 9 और 7 तो मिल गया था, बस 1 और 5 नहीं मिला था श्रुति, बट थैंक यू फॉर दैट। योगेश भाई कह रहे हैं भाई कैसे हो, बिग फैन योगेश भाई, आई एम डूइंग ग्रेट। और यहाँ पे देखो, ट्रिगर्ड इंसान इज नाउ अ ट्रैपर। मैं एक ही गेम में तरक्की बनाओ बनाओ, यस ऑफ कोर्स बहुत मजा आया। आई थिंक नेक्स्ट जो है इस पे मैं वीडियो बनाना। ओ लॉकपिक मिल गया, ओ ये अब ताले खोल सकते हैं हम, जो दरवाजे खुलते नहीं है ना वो खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी गाइज इट्स टाइम फॉर चेटिंग चेटिंग, यू ओ हिम नथिंग। नहीं 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 अभी अगले मिशन, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, सारे मिशन आज ही कर लेंगे क्या, कुछ छोड़ेंगे नहीं क्या? पिछली बार मैंने वो 3.5 घंटे लगा के एक गेम पूरी खत्म कर दी थी, तभी मेरे को काफी दुख हुआ था कि मैंने एक ही स्ट्रीम में पूरी गेम क्यों खत्म कर दी। मैं 2-3 स्ट्रीम तक खींच सकता था, लेकिन आई थिंक दिस वॉज एन अमेजिंग गेम, आई एंजॉयड सो मच, और तुम लोगों ने बस इतनी सी तो हेल्प करी। Whatever you play, made man PC game, no, then try it. Ever you play made man PC game? I have never played made man PC game, bro. भैया बर्थडे आ रहा है, अरे हाँ ब्रो माइनक्राफ्ट का क्या हुआ अनविता? वो एक्चुअली लास्ट टाइम जो है थोड़ा सा मेरे वर्ल्ड में तहलका मच गया था ना, तो उसके बाद से, अरे मजाक कर रहा हूँ, बेसिकली वो तो एक मेरा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता, मैं मुंह बंद रखा हुआ हूँ, ठीक है? आई डोंट वॉन्ट टू स्पॉइल इट, वरना मेरे को पता है मैं कुछ ना कुछ बोल दूंगा जिससे चीज़ें स्पॉइल हो जाती है, हमेशा होता है मेरे साथ, मैं गलत करके ना सब कुछ सीक्रेट रिवील कर देता हूँ। माइनक्राफ्ट की वीडियो विल कम इन 3-4 दिन में पक्का, लेकिन कल, हाँ जिससे याद आया, कल एक बहुत ही खास वीडियो आ रही है और बहुत ही खास इंसान के साथ, yeah, first time on my channel. It's going to be really अच्छी वीडियो बनी है। GTA 5 का क्या चाल है, क्या हाल चाल है, प्रिंस राजपूत भाई ने पूछा है, जिससे मैं बता देता हूं कि कल सुबह GTA की वीडियो आ रही है विद, कल ही देख लेना। स्पॉइलर नहीं देता, नहीं स्पॉइलर दो, नहीं दूंगा भाई। मेंबरशिप वाला डिस्कॉर्ड
आईडी से लिंक्ड है लेकिन स्पॉन्सर द नाइट्रो बूस्टर्स का ऑप्शन नहीं आया. इट्स बीन अ वीक, कोई स्टाफ मेंबर रिप्लाई नहीं कर रहा. अरे हेलो स्टाफ वालों, जिस जिसके मेंबर जो जो मेंबर्स हैं उनको प्लीज उनका वाला रोल दे दीजिए. कैरी मिनाटी है क्या? मैं नहीं बता रहा. भैया फेस रिवील कर दो. आर यू श्योर? लेकिन उसके लिए मेरे को फेस कैम एक मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा, तभी फेस रिवील हो पाएगा. अगर तुम रेडी हो एक लाइक 10 सेकंड के लिए फेस कैम के बिना अगर सहलोगे तो मैं फेस कैम रिवील कर ही देता हूँ आज. चलो मैं अपना डेस्कटॉप दिखा देता हूँ ताकि तुम लोग छोड़ के ना भाग जाओ, ठीक है? और मैं एक मिनट में अपना फेस रिवील कर रहा हूँ. मेरी आवाज सुन सकते हो तुम? यू कैन हेयर माई वॉइस. आई एम रिवीलिंग माई फेस गाइस. छोड़ के मत जाइएगा, फेस रिवील होने वाला है अभी. इट्स फेस रिवील टाइम. ओके आर यू रेडी? 10 सेकंड में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 2, 1 and फेस रिवील. अरे चल जा. हेलो एट समय. मैं क्यूट हूं ना? हाय. अगर आप लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं, आई थिंक आई एम वेरी क्यूट एंड तुम लोगों को मेरी शक्ल बहुत अच्छी लगी होगी. एक बार मेरी इस ब्यूटीफुल रियल फेस के लिए ओपी स्पैम हो जाए. अगर तुमको मेरा ये वाला फेस रिवील नहीं पसंद आया तो आई हैव मोर शक्लें, मोर रियल फेसेस. एक थोड़ा डरावना वाला है, ठीक है? ये थोड़ा ज्यादा भयानक हो गया. बट अभी आई गेस गाइज इट्स टाइम फॉर द रियल वाला फेस रिवील, लाइक एक्चुअली रियल वाला. मिल नहीं रहा मेरा रियल वाला फेस, खो गया है कहीं. ला रहा हूँ बस असली वाला. ये थोड़ा ज्यादा स्केरी हो गया. ये मेरा सच का रियल फेस है. मैं यही हूं, जोकर ही हूं मैं. चश्मे वाला जो करूं मैं. नहीं ये वाला फेस भी नहीं पसंद आया तो मेरे पास एक और है. नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. ओ माय गॉड पापरे. रहने दो यार, पर मेरे को मेरा असली वाला फेस नहीं मिल रहा, बिल्कुल रियल वाला. किधर है वो? हेलो रियल फेस, खो गया है इतने सारे. मिल गया. आर यू रेडी? अच्छा चलो अभी हम ना किसी को रेड करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमने कभी रेड नहीं करा है, काफी दिनों से, तो रेड करते हैं. अरे थंबनेल कितना क्यूट बनाया मैंने आज वाला, है ना? हिटमैन गोली पकड़ के खड़ा है, टाइम टू बिकम द हिटमैन. एंड आई थिंक मेरे को पर्सनली बहुत मजा आया. एंड मेरे को जितना मैंने मतलब कमेंट वो पढ़ रहा था, मैं चैट पढ़ रहा था एंड लाइक रेशियो से भी लग रहा है तुम लोगों को भी आता है. भूल गया मैं क्या बोल रहा था. अच्छा हरजोत सिंह भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द स्ट्रीम. रॉक्स गेमिंग, टीसा वासी, वेलकम टू द प्रो गैंग. BTS का गाना गाओ. ओ यार नहीं यार, इस स्ट्रीम पे क्लेम आ जाएगा यार, BTS का गाना नहीं गा सकता मैं. लेकिन एक चीज़ है जो तुम लोग कर सकते हो एंड वो है तुम ट्रिगर्ड इंसान चैनल की रिसेंट वीडियो देख सकते हो. वेरी अमेजिंग वीडियो.
लाइक ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो लाइव इंसान चैनल है, इसमें ये ट्रिगर्ड इंसान वाला चैनल है ना, इसमें ये एक वीडियो इसने डाली थी, गेस द सॉन्ग बाय इमोजीज। तो ये वाली जो वीडियो है ना, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी थी, पर कंपेरेटिवली बाकी वीडियो से कम व्यूज हैं, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, आई फाउंड डायमंड प्ले बटन इन जयपुर। मैं कह रहा हूँ दिस वॉज हाइट ऑफ कॉन्टेंट, क्या वीडियो बनाई है, मजा आ गया था। एक सुहाने दिन आपके छगन प्यारे अपनी रात की नींद पूरी कर रहे होते हैं, जब क्लेम कर देगा। हेलो हेलो, नमस्ते सर, तो आपका डायमंड प्ले बटन जयपुर में एक बवंडर आने की वजह से खो गया है। डायमंड प्ले बटन जयपुर में बवंडर में खो गया, क्या बोल रहे हो? जी हाँ सर। क्या बोल रहे हो? अरे भाई दो बार बोल के समझ नहीं आया क्या? तो करना क्या पड़ेगा? तुम्हारा प्ले बटन है, जाओ ढूंढो। ओके। माय गॉड, क्या वीडियो बनाता है यार, वाओ। भैया जयपुर चलेंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ये वीडियो आप देखिए, अरे भैया बहुत मेहनत करी, रिक्शा चला चला के थक गए, दिल्ली से जयपुर तक रिक्शा पर आगे बताओ। पर भैया ये तो एयरपोर्ट है। अरे भैया वो गुरुजी का रिक्शा है ना, रनवे पे लैंड करके आए हैं। हेलो गाइस, इट इज मी छगन ब्लॉगर, एंड रिक्शा चला चला के ना हमारा जो जूता है वो पूरा फट गया था, तो अभी हम भैया जी के पास आए हैं, भैया ने हमारा जूता बनाया। मैं तुम्हें सच में एक बात बताता हूँ, मेरे एक्चुअली जूता जो था वो कॉर्नर से फट रहा था, तो मैं ऐसे ही सोचा कि ये ठीक करा लेता हूँ वरना ये ज्यादा खराब हो जाएगा। तो मैं ये भैया जी के पास रुका, इनकी शक्ल इनके एक्सप्रेशन देख के मेरे को लगा भाई ये तो वीडियो के लिए बड़े सही है। थैंक यू भैया। अरे है? हो गई सवेर, शबरी के बेर, बूझो तो जानो छगन ओपी। अरे भैया जूता ठीक करने के साथ साथ पहेलियां भी बुझाने लगे आप तो। ये जो एक्सप्रेशन है ना इन्होंने, ये एक्चुअली भी इनका फेस बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए थे ये। तो मैंने इनको कहा भैया बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहना, ये वीडियो के लिए चाहिए मेरे को, बड़ा बड़ा फनी लगेगा। भैया का एक्सप्रेशन देख, बिल्कुल एकदम जाने लगे आप तो। अरे तुम तो लिरिक्स राइटर निकले, टोनी कुक्कुड़ से भी ऊपर वाले। जब राहुल नाम तो सुना ही होगा। गाइस ये जो है ये है राहुल भैया, और अभी हमको जयपुर घुमाने वाले हैं क्योंकि हम नए हैं ना। राहुल भैया की जय हो, अब राहुल के साथ है। मजा आया, मजा आया। अरे ये वो वाले राहुल नहीं है भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने ये वाला व्लॉग नहीं देखा है जस्ट गो वॉच इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस जो मैंने बनाई है। मेरे को पर्सनली इतना मजा आया ये वीडियो बनाने में, होली शिट इतना सही है। इसका फेवरेट पार्ट मेरा पता कौन सा है, कहाँ गया ये रहा। ये हाइट ऑफ कंटेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे ऊपर चीज ना ही कभी हुई है ना ही कभी होगी। अच्छा इस सीन के लिए मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, इससे पहले कि कोई ये बोल दे कि भाई तुम ये एनिमल के साथ ऐसे कर रहे हो, ये है वो है। सो मैं जब गया था, मैंने जाते ही उनसे पूछा कि जो ये एलिफेंट वाली जगह थी ना, तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं फुल फेस में बताता हूँ। सो बेसिकली उन्होंने मेरे को बताया कि दो तरीके हैं एलिफेंट पर चढ़ने के, या तो आप उसकी सूंड के थ्रू चढ़ो जैसे मैंने इसमें ट्राई करा, या फिर एक साइड में सीढ़ी होती है उससे ट्राई करो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं तो आई वॉज लाइक कि हाँ नॉर्मल सीढ़ी से ही चढ़ूंगा मैं। वो भैया कहते हैं कि नहीं आप सूंड से चढ़ो। मैंने कहा नहीं भैया उसके लग जाएगी। कह रहा है भैया आपका वजन कितना है? मैंने कहा भैया 90-92। कह रहा है वो कम से कम उसका वजन समझ रहे हो आप कितना किलो होगा? एलिफेंट का वेट लिखो एक बार, एलिफेंट का वेट इन केजीज शुड बी अराउंड
4000 किलो से 6000 किलो, एशियन एलिफेंट 4000 किलो, कह रहा भैया 4000 किलो है उसका वेट। ऐसे उसने बोला, भैया उसका साइज देख रहे हो आप, चीटी हो उसके सामने, ठीक है, आपके ऊपर एक पैर रख देगा ना पिचक जाओगे। तो ये जो है ये एंशियंट टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है कि वो बाहुबली मूवी आपने देखी है एंड तब भी मेरे दिमाग में आया कि क्या बाहुबली मूवी में जिस तरीके से चढ़ता है वैसे चढ़ना है क्या? तो कह रहा हाँ। मैंने कहा भैया फिर तो मैं भी ट्राई करूंगा बाहुबली वाले स्टाइल में चढ़ना। एंड मैं उनमें से हूँ कि आई कैन नॉट टच एनिमल्स, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है। इवन डॉग को भी जब फर्स्ट टाइम टच करा था मेरी ऐसी की तैसी हो गई थी। एंड ये कह रहा है भाई हाथी को, हाथी पे चढ़ जाओ। आई वाज लाइक मैं इसको टच कैसे करूँ? कह रहा है अरे भैया कुछ नहीं है ऐसे पकड़ लो। मैंने कहा पकड़ तो मैं एक बार को उसको पकड़ भी लूँगा, उसके बाद चढ़ूंगा कैसे? कह रहा भैया बस भगवान का नाम लो और ऐसे पकड़ के बस यहाँ पे पैर रख लो। उसके बाद तो जो हुआ वो हाथी ने ही करा है, मैंने तो कुछ नहीं करा। जो करा है हाथी ने करा है। दया, दया करो मुझ पर दया। कह रहा है बस इसको ना ऐसे यहाँ से इसके कान पकड़ लो तो और सूंड पे पैर रखो, ये खुद चढ़ाता है। देख मैंने बस ऐसे कान पकड़े हैं उसके एंड हल्के से, एंड वो कह रहा है भैया इसकी ना सूंड पे पैर रखो खुद चढ़ाती है। मैंने कहा भैया नहीं होगा। And then it happened. I was like, ये क्या हो रहा है? पता है सबसे बड़ी बात है हाथी भी नजर आया। मैं जब फुटेज देखी ना मेरी इतनी हंसी निकली कि हाथी भी हंस रहा है। एक बार देखना, ये हाथी ने चढ़ा दिया, अब इसके बाद हाथी को देखना, हाथी भी हंस रहा है। वहां पे एक बंदा जो ऊपर बैठा हुआ हाथी के, वो और तीन लोग ये नीचे सारे लगे हुए, भैया चढ़ जाओगे, भैया चढ़ जाओगे, भैया नहीं होगा। कह रहा भैया चढ़ जाओगे, बाहुबली का नाम लो चढ़ जाओगे। उसके बाद चढ़ गया, कह रहा भैया आप जंग जीत गए। तो ऊपर वाला कहता पहले तो हार गए थे। ये सीन के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि भाई मतलब मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया भाई। नेक्स्ट लेवल है। आओ बच्चे किसे हो? देखना नहीं आपको है। एक और सीन तुम्हें मेरे को बताना था। ये गाइस ट्रस्ट मी, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। ये जगह की स्टोरी मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब आई डोंट थिंक इस पे मैं स्टोरी टाइम वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। सो देखना अभी क्या हुआ है। खड़ी एकदम, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा चढ़ाई है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। सो बेसिकली क्या हुआ, हम इस वाला लाइक फोर्ट में ना, भांगड़ फोर्ट में अलग अलग जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, छोटे छोटे से रूम्स हैं। तो ये दिस वाज वन ऑफ द रूम, और ये बहुत खुला सा रूम था और अंधेरे में भी नहीं है एकदम, ऐसा लाइट वाइट भी है फुल। तो मैं एंटर करा एंड एकदम से ना नॉर्मल था पहले, लोग मेरे से पहले बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे थे। उसके बाद मैं गया एंड एकदम से स्मेल बढ़ने लग गई एंड आई वाज लाइक यार स्मेल आ रही है बड़ी गंदी सी। पता किस टाइप की स्मेल थी? तुमने केमिस्ट्री लैब्स में सल्फर की कभी स्मेल सुनी हो? अगर सल्फर डाइऑक्साइड की, वो रॉटन एग जैसी एक स्मेल होती है ना, उस टाइप की स्मेल थी, ठीक है। तो वैसी स्मेल आनी एकदम से शुरू हुई। तो यहाँ पे पहले मैं जब ही आ रहा था तभी तो मैं कह रहा था कि सारी स्मेल आ रही है गंदी, और एकदम से बढ़ने लगी। मैंने कहा चल चलते हैं यहाँ से। और जितनी देर में मैं बाहर निकलने लगा इट बिकेम अनबेरेबल, इतनी गंदी स्मेल। और मेरे साथ जितने लोग खड़े हुए थे वो मेरे को देख देख के आए, और मैं देखा कि मैं ऐसे स्मेल कर रहा हूँ, वो भी आए स्मेल सूंघी, वो भी भाग लिए। हो गया, उसके बाद मैं फोर्ट में घूम घाम के वापस जब इस जगह के सामने से ही निकल रहे थे तो देखा वहाँ पे लोग फिर से खड़े हुए थे, मतलब स्मेल जा चुकी थी। तो ये मेरे साथ जो है ये कह सकते हो तुम कि भूतिया एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये थोड़ा सा वो था लाइक मिस्टीरियस सा था। या अनएक्सप्लेन्ड स्मेल्स, मेनी पीपल बिलीव दैट। रहने दो, भूतिया बातें नहीं करेंगे आज हम। माय गॉड, ये कमरा इतना डरावना था, इतना डरावना था ना। हेलो, यहाँ कहाँ जाऊं मैं अभी? तो हम क्या सो
बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि ये बिल्कुल कॉर्नर पे ना जहाँ पे गार्ड्स वगैरह खड़े होते हैं, ये वो वाला खोपचा था। तो इसकी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर वो जाता है रास्ता, ये सीढ़ियों पे इतनी स्केरी वाइब्स आ रही थी एंड मैं अकेले घुस गया, मैंने कहा देखी जाएगी। हेलो बहुत ये जेन्युइनली ये जगह बहुत वो थी, मतलब कहाँ जाऊँ स्केरी मेरे लिए तो काफी। हम कैमरामैन भैया को ले आए हैं तो थोड़ा सा ट्रिगर्ड इंसान, कांग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बहुत ज्यादा खून और पसीना बहाया इसको पाने के लिए, इस बार लेजिट खून और पसीना दोनों बहाया यार। मेरे ना ये वाला पूरा हाथ चल गया था उसमें एलिफेंट वाली राइड पे ना, जब मैं यहाँ पे ऐसे नीचे घिसड़ रहा था ना, ये अभी जो मैं नीचे घिसड़ूंगा ये यहाँ पे मेरा राइट आर्म पूरी चल गई थी। सो इसके एलिफेंट के बॉडी पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो इतने लाइक हार्ड होते हैं, पूरा हाथ ही छिल गया था मेरा उससे, और एक बार और फिर छिला था आगे चल के ये यहाँ पे यहाँ भी हाथ छिलवा लिया था अपना मैंने, ये यहाँ पे भी पूरी बाजू छिल गई थी। ये मतलब एक खुद में वो चीज होती है ना कि हाँ मैंने कुछ बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाई है, दिस वॉज वन ऑफ देम, जिसको देख के मैं कह सकता भाई इतना मजा मेरे को अपनी लाइफ में नहीं आया ऐसी वीडियो बनाने में। एनीवेज अपनी वीडियो की बहुत प्रमोशन कर ली हमने भैया। अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ रेड कर रहे थे हम किसी को, चलते हैं गेमिंग में किसी को रेड करेंगे। अरे बाप रे BGMI पे बड़ी वॉचिंग आ रही है भाई, क्या बात है सर क्या बात। अरे तुम वापस आ गए? अरे हम हमारा नेट चला गया था, मैं एक मिनट गाइस हम कैमरा स्विच कर लेते हैं क्योंकि ये वाले फेस कैम में ना थोड़ा सा लैग होता है, एक मिनट दीजिएगा बस बदल लिए हम कैमरा एंड ये आ गए एंड आ गए या तो अभी कोई लैग नहीं हो रहा होगा आई थिंक। पबजी पे तो ऑलरेडी बहुत लोग वॉचिंग दे रहे हैं। क्या करना था मेरे को, जिसकी थोड़ी सी कम वॉचिंग हो इसका नाम अच्छा लग रहा है, नौटंकी बाज इतने लिखा बहुत सही तरीके से। अरे वाह ये तो गेम भी स्टंबल गाइस खेल रहा है तुम लोगों के लिए बेस्ट। आ जाओ गाइस लेट्स रेड हिम। अरे सब्सक्राइबर ओनली मोड कैंसल सब्सक्राइबर ओनली मोड का है लगाया बे कैंसल, इफ यू डोंट हैव नॉर्मल मोड कैंसल। जिससे याद आया मैं भी मोड लगा देता हूँ कोई। अच्छा बाद में लगाएंगे। SRGTT कैंसल नो फेस कैम। ये यार फेस कैम क्या करो यार, क्या करो क्या बिना फेस कैम के क्या करते हो, कैंसल सब्सक्राइबर ओनली मोड कैंसल नो फेस कैम। क्या ले हेलो तेरा चाचा आ गया देख, इसकी तो आवाज ही नहीं है स्ट्रीम पे एक्टिव कोई वन पे, पर ये सही है फेस कैम भी है और वो भी नहीं है। हेलो ट्रिगू भाई कैसे हो, अक्षय जैन भाई वेलकम टू द स्ट्रीम, मैं एकदम बढ़िया भाई, हेतल सेठ यू आर द बेस्ट, थैंक यू हेतल, 5 शाउट आउट करो। अच्छा रॉनी अपडेट्स ने 5 शाउट आउट मांगे हैं, संजय वर्णिका लिमका खेतराम प्रियांशु एंड थारा भाई रॉनी, ये तो 6 हो गए, 5 के नाम पे 6 शाउट आउट मांग लिए। स्कैम कर दिया भाई। सचिन सौरभ प्लेस भाई कह रहे हैं सर आपकी वजह से 2 साल के बाद 100 सब्स हुए हैं, थैंक्स सर। अरे अरे मैंने क्या किया। श्रुति पाल से लाल नाक वाले बी यू आर जस्ट वे टू ओपी लेके अपना टैलेंट गेमिंग चैंप, व्हेन आर यू कमिंग टू वाइटैलिटी बूट कैंप। आहा वाह श्रुति कस्ते राइम्स की बरसात कर दी भाई, भाई भाई बच गए भाई, ये बंदा मरा और इसने ऑलमोस्ट गाली बक दी थी, मैं शायद बकी दी हो मैंने सुनी ना हो, मैंने प्रिटेंड किया कि मैंने नहीं सुनी है, ठीक है मैंने नहीं सुनी।
करता है मुझे। इसको गाड़ी आई, इसको करते हैं रेड। ये सही लग रहा है मेरे को बंदा। नो वो गाड़ी अब कहते आज आइए गाइस, लेट्स रेड दिस बॉय, ही हैज फेस गेम आल्सो। नहीं बगी कि मैंने नहीं सुनी है, ठीक है मैंने नहीं सुनी। अरे डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट स्ट्रीम कर रहा है पल्लव, डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट को रेड करे वापस से। नहीं 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 Daniel Ingham, Robert Kevin Rashton, 3 months, Lucas, Twistix, 16 months in the Champions Club, much appreciated Carl Peterson, Diego Cromachi, Parth Patel, Kevin Armi, OP, trigger, Insan, Wally, Wo Pura Kar Do, Dr. Disrespect को रेड करेंगे हम। I am doing a super chat. I think it's plus for playing in his playlist that has like max players. Let's go. It's just chaotic. It's I am doing a super chat. Just a quicker way of leveling and then okay. bigger games if you're going off. But okay. You know, part of me, it's just more of where we're at with our video game experience. Actually, इसको मेरे को triggered इंसान वाले अकाउंट से करना चाहिए ना, अगर हम triggered आदमी कर रहे हैं तो. To want to play games that are different. अभी कोई स्पैम मत करियो, ठीक है? हाँ हाँ. थोड़े टाइम बाद. Hey Doc, why without your Google prototype scopes do you look like Freddie Mercury? Hey Chis Chis with the $4.99. Freddie Mercury was like 5'6". I'm 6'8". How could we look like? कोई रेड कर नहीं रहा क्या? I don't get it. I have a hard time comprehending that one, man. वो अब गए देखना. Triggered Insan with raid. Let's go. The triggered army is OP. Indeed. Well, bring him in. Bring him in. Man, his energy level is just insane. Not Brady. Welcome to the Champions Club. Not Brady. Welcome to the Champions Club. 15 months. Chaotic will flab 15 months. It's only Niles 14 months. Done. Super think it's time bone. For the Doc for the Niners to make the switch to Trey Lance as Thunderhawk with a $5 donation. I'm not sure that do anything at this particular moment. I mean, it's will he read it? Jimmy G, will he? Look at his numbers that game. Look at his numbers from Sunday. I mean, 100 pass rating, 300 something yards. What do you want the guy, like, what do you want Jimmy G to throw 600 yards? Nahi padega. That's clearly not the answer. Actually, right pad lena chahiye, but who knows? Usko bahut zyada super chat aati hai. Hamari tarah thodi na hai. Mobile and he brings this a different complete, like if they have chat a completely different. Chat to Ingram, so let's see. Yeah. Offensive game plan with Trey Lance in terms of the running game and the type of plays that are being called. I just don't know. एक बार सुपर चैट पढ़ ले भाई, नहीं पड़ेगा ना ही वुड ना, नो वे। जस्ट लाइक आई लाइक आर्मी ओपी, आई जस्ट रीड द सुपर चैट। ऐसे होता है रिएक्शन गाइस। Hey Doc, any update on the where's the audio merch? Says Brad Lesko with a 1993. No update. नहीं बड़ी भाई उसे सुपर चैट। You know the game we're thinking about the five super chat. How about them Jags beating the Bills? Jesus Christ. जी चलो कोई नहीं। That's like telling me how about those Milwaukee Bucks beating the Detroit Pistons? कोई नहीं होता है। वाह भाई। जल्दी चले गए? अरे सॉरी भाई हम कर रहे थे पर फिर उसके बाद डॉक्टर डिसरिस्पेक्ट दिख गया फिर हम चले गए। सॉरी भाई। ओके और क्या करें थोड़ी देर मेंबर्स से बातें करते हैं फिर चलते हैं। तो बहुत दिनों के बाद आया है यार, आई नो राइट। 15th November, नहीं मेरा बर्थडे 14th को है। यस
भैया मैंने 40 रुपीज ड्रीम 11 पे बनाए, शौर्य डिनकर भाई कह रहे हैं, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। और वो ही सुपर चैट कर दिए, भाई शौर्य भाई क्या क्या चाहता है भाई, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई, वाइटालिटी कब जा रहे हो, जब वाइटालिटी वाले बुला लेंगे। हिट हंटर गेमिंग भाई कह रहे हैं प्लीज 2K करा दो ट्रिगु भाई, लाइव नहीं हूँ। हिट हंटर गेमिंग भाई तेरे 10,000 हो जाए, अब मेरे बोलने पे अगर हो रहे हैं तो भाई मैंने बोल दिया। YT अमन गेमिंग पे रेड कर दो, संदीप कुमार भाई कह रहे हैं, रेड वाली ना एक प्रॉपर स्ट्रीम करेंगे, उसमें रेडिंग वेडिंग करेंगे, अभी आज बातें कर लेते हैं। भाई आप इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं करते, प्रसाद कठाले कह रहा है। प्रसाद भाई मैं इंस्टाग्राम ना बहुत दिनों से यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तू देख रहा है मैं एक स्टोरी डालता हूँ फिर मैं गायब हो जाता हूँ, कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं ना अब इंस्टाग्राम पे भी नहीं कर पाता। देखो सिंपल सी बात यह है, एक दिन मैं ना इंस्टाग्राम पे टैग्स वगैरह चेक कर रहा था जो लोग होते रहते हैं, और मैंने कुछ एक दो स्टोरीज ऐसी देख ली जो कि बहुत ही अश्लील थी, गलत थी, और उसके बाद मैं मेंटली स्कार हो गया, तो मैंने थोड़े दिन के लिए इंस्टाग्राम से छुट्टी ले रखी है, ऐसे समझ जाओ। निश्चय प्लीज अपने फैन एडिट्स पे रिएक्शन, आपने बोला था पिछली स्ट्रीम पे। यार फैन एडिट्स पे सिर्फ वही होते हैं क्या, एक कॉपीराइटेड गाना लगा होता है और उसमें मतलब फोटोज की कंपाइलेशन होती है, कुछ अलग जैसा मिलेगा अगर तो ऑब्वियसली मैं उसको सेव कर लेता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा सच कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वही नहीं यूज करा है इंस्टाग्राम ढंग से। डर लगता है यार अब तो इंस्टाग्राम यूज करने में भी डर लगता है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें छोड़ो। निश्चय प्ले फोर्टनाइट विद मी, अरे यार वंश भाई मैंने कसम से आज सोचा था फोर्टनाइट खेलेंगे, लेकिन फोर्टनाइट इंस्टॉल्ड ही नहीं है इस वाले पीसी में, वो दूसरे वाले में है, तो इसमें अभी फोर्टनाइट में डालता हूँ फिर नेक्स्ट टाइम। अरे भैया ध्यान रखा करो ख्याति शर्मा, अरे यार बहुत ही अब ऐसा हो गया कि कुछ भी करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। डीलाइट गेमिंग भाई कह रहे हैं ब्रो लास्ट हगने कब गए थे, मेरे को आ रही है। ब्रो मैं तो पूरी स्ट्रीम हग ही रहा था 2 घंटे तो मैं तो काफी तो या निश्चय क्या हाल चाल, सो हैप्पी टू सी यू स्ट्रीम आफ्टर सो लॉन्ग, थैंक यू श्रुति। स्ट्रीमिंग का ना मेरा मन तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन मैं ना यही नहीं डिसाइड कर पाता कि गेम कौन सी खेलूं, क्योंकि क्या होता है ना मैं कोई भी गेम खेलूं यही स्पैम होने लग जाता है XYZ फलाना गेम खेल लो, फिर उससे मोराल ऐसा हो जाता है कि यार मैं अपनी खुद की मन की गेम तो खेल नहीं पाता जो मेरा मन करता है, फिर मैं क्या करूं, तो इस वजह से मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता। जैसे आज पल्लव को पता है मैं 5:30 बजे से डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ सिर्फ ये डिसाइड कर रहा कि कौन सी गेम खेले, 7:30 बजे तक मैं गेम नहीं डिसाइड कर पाया था, 7:30 बजे मैंने थक हार के बोला, मैंने कहा चला आज हिटमैन खेलते हैं पहली बार कुछ नया अलग कर लेते हैं, मुझे पता था ज़्यादा वॉचिंग व्यूज नहीं आएंगे बट आई वाज लाइक ठीक है भाई खेलते हैं। श्रुति सक्सेना थैंक यू फॉर दैट फॉर योर 4 मंथ्स श्रुति, वेलकम टू द सुपर प्रो एज वेल। मैया एक शाउट आउट दे दो डेट डेट रियॉक्स गेमिंग को शाउट आउट, भाई कोई भी गेम खेलो हम सब एंजॉय करते हैं। गीत कह रही है अरे यार गीत आप लोग तो हो ही ना फिर, मतलब देखो एक डिफरेंस मैं तुम्हें बताता हूँ, एक होती है कम्युनिटी एक होते हैं सब्सक्राइबर्स, समझ रहे हो, सब्सक्राइबर्स वो है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब तो कर लिया है बट वो सिर्फ वही देखना चाहे वो देखेंगे जो या तो उनको लगेगा कि वो देखना चाहते हैं, हाँ कुछ एक रीजन होगा जिसकी वजह से सब्सक्राइब करेंगे, वो सिर्फ वही चीज देखेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रिगर्ड वाले चैनल पे बहुत ज्यादा मेजर ऑडियंस जो होगी वो टिकटॉक रोस्ट की वजह से आई होगी, पहले बहुत सारी ऑडियंस जो है वो बॉलीवुड रिएक्शन रोस्ट रिएक्शन की वजह से आई थी, उसके बाद बहुत सारी ऑडियंस जो है वो 5 मिनट क्राफ्ट हैक्स की वजह से आई, तो जब मैं वो वाला कंटेंट नहीं डालता फिर वो वाले लोग छोड़ देते हैं देखना कि अरे ये तो वो वाली चीज डाल ही नहीं रहा, बट वो ये नहीं समझते कि यार सेम ही चीज थोड़ी ना बार बार वगैरह मैं कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं 15 वीडियोस हैक्स पे बना चुका हूँ तो मैं कितनी बना लूंगा हैक्स पे, 25-30 एक पॉइंट पे तो जाके बोर हो जाएगा ना उस चीज से बंदा, तो इस वजह से
यू ट्राई टू मेक अदर थिंग्स, पर वो अदर थिंग्स जो देखते हैं वो कम्युनिटी होती है. एंड लकीली फॉर मी आई एम वेरी यू नो humbled by this fact, ज़्यादा English हो गई कि I have a very good community जो अभी देख लो 10,500 लोग मुझे सिर्फ बातें करते हुए सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. तो या बर्थडे वीक ओपी, मेरे को इतनी सी भी एक्साइटमेंट नहीं है बर्थडे की, पता नहीं क्या मेरे को बर्थडे की एक्साइटमेंट हुआ करती थी जब मैं स्कूल में था. एज सून एज स्कूल एंडेड उसके बाद से तो कभी बर्थडे की एक्साइटमेंट हुई नहीं है मेरे को. लेजेंड तो स्कूल में आता ही नहीं था. आदि बख्शी वेलकम टू द प्रो गैंग. निश्चय भैया बहुत बड़ा फैन हो यार, थैंक यू भाई. आकाश गुप्ता भाई थैंक यू. लुकिंग क्यूट, अरे ट्रिगर्ड नोनू ओपी थैंक यू. एंड प्लीज एक और बात बताना, आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? प्लीज प्लीज डोंट डोंट, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मेरे को यार. आप लोग ना मेरी वीडियोस शेयर कर देना. एक काम करना, ये गिफ्ट देना है ना तो ये गिफ्ट देना. देखो बहुत बहुत बड़ा गिफ्ट मांग रहा हूँ मैं तुमसे, लेकिन बहुत आसान है तुम्हारे लिए दे पाना. ये वाली जो दो वीडियोस है ना, ये वाली दो वीडियोस, इनके इन पे 8-8 million व्यूज करा दो ठीक है. ये मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा. आई नो इट्स इम्पॉसिबल, अभी 8 तारीख तो हो ही चुकी है, 14th 8 भी खत्म हो गई है, 9 तो 5 दिन रह गए गिनती के. 5 दिन में चैलेंज तो नहीं, पर बर्थडे गिफ्ट के नाम पे ना ये वाली तो फिर पॉसिबल हो जाएगी, ये वाली नहीं होने वाली. यही है तुम्हारा चैलेंज / बर्थडे गिफ्ट, इन दोनों वीडियोस पे 8 million व्यूज करा दो. मैं मेरा बर्थडे पूरा साल का गिफ्ट हो जाएगा ठीक है. कितना देखो छोटा सा गिफ्ट मांगे पर कितना इजी है तुम्हारे लिए कर पाना. नहीं एक्चुअली बहुत मुश्किल है. ब्रो जयपुर व्लॉग में घंटी वाला मेरा दोस्त है. घंटी वाला, घंटी वाला कौन सा सीन है? तेरे को कोई याद है पल्लव? अगर तूने वीडियो देखी है तो घंटी वाला कौन सा सीन है? देखी तो है, घंटी वाला कौन सा है? मेरे को तो खुद नहीं याद घंटी वाला. अरे वो वाला मैजिशियन वाला क्या? लेकिन वो घंटी थोड़ी बजाता है. हाँ अच्छा वो जो, हाँ वो बच्चा मैजिशियन जो दिखा रहा था. नहीं 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 नहीं, हाँ जब मैं उस बंदे कहता हूँ हाँ भैया मेरे कान में घंटी बजा लो. समझ गया समझ गया समझ गया. हाँ अच्छा डिलाइट गेमिंग कह रहे मेरा दोस्त है वो. अरे लेट्स गो, उसको कहियो आइयो मेरे कान में घंटी बजा लियो अगली बार. अर्श भाई कह रहे यू आर ओपी. थैंक यू यार अर्श. वॉच डॉग्स सजेशन फॉर स्ट्रीम व्लॉग विद प्रीतीश कह रहे हैं. अरे फॉर श्योर यार प्रीतीश भाई. एक्चुअली देख पता क्या, मैंने बहुत कम वो खेली है स्टोरी वाली गेम्स राइट. मेरे चैनल पे अगर तू जाएगा ना लाइव इंसान पे देखेगा कितनी स्टोरी वाली गेम्स खेली है. ये नहीं है, ये नहीं है, ये स्टोरी वाली गेम है पहली जो मैंने खेल के कंप्लीट करी एक ही स्ट्रीम में. ये नहीं है स्टोरी वाली, ये नहीं है स्टोरी वाली. इसमें तो मैं खुद की स्टोरी बनाता हूँ और बहुत डिसलाइक पड़ते हैं. मैंने स्टोरी बनाई कि बटन दबाने पे बवंडर आएगा ठीक है, और इतने डिसलाइक पड़े हैं कि भाई तूने वर्ल्ड क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया अपना. अरे तुम रुको तो सही, वो एक स्टोरी है, कोई देखता ही नहीं है. मैंने स्टोरी बनाई कि हम मून पे जा रहे हैं. इतनी हेट्रेड है ना इस वीडियो पे पूछो मत. मैंने ये वाली वीडियो बनाई, इसमें क्लियरली ये एक वो था कि KKL मेरे वर्ल्ड में आया एंड हम एक चैलेंज वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उस पर मैंने एक एंडरमैन स्पॉन एरिया बनाया. ऑब्वियसली मैंने बनाया ना, कैसे बनाया? एंडरमैन कहीं एंडरवर्ल्ड से तो पकड़ के लाऊंगा नहीं. ऑब्वियसली वो क्रिएटिव मोड का यूज करके बनाया, बट वो मेरी सर्वाइवल सीरीज का पार्ट थोड़ी ना है. सुनो ये बात ध्यान से सुनो, जो इसमें एंडरमैन वाला जो वो पार्ट था वो मैंने क्रिएटिव वर्ल्ड से एंडरमैन स्पॉन करे ताकि मैं और KKL एक चैलेंज कर सके अपने बीच में. ये वीडियो मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड से कहीं भी रिलेटेड थी नहीं, पर उस चीज को पकड़ के इतना लोगों ने कमेंट्स में मेरे को हेट दिया है क्या बताऊं. भाई तुम क्रिएटिव वर्ल्ड यूज करते हो, तू चीटर है, तू ये है वो. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड दिस इज नॉट इवन अ स्टोरी. अगर मैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में अपनी स्टोरी जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ उसमें कहीं पर क्रिएटिव मोड यूज करता हूँ वो गलत है ठीक है. वहां मैं मानता हूँ मैंने अपने जितने भी फार्म्स वगैरह बनाए हैं, स्केलेटन फार्म हो गया, नॉर्मल फार्म हो गया, आयरन फार्म हो गया, वो सारे बिना क्रिएटिव मोड के यूज किए, सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाए गए हैं प्रॉपरली. लेकिन वो मैंने एंडरमैन वाला जो वो एरिया बनाया था ताकि मैं और KKL वो कॉम्पिटिशन कर सके, वो मेरी कहीं भी सर्वाइवल वर्ल्ड का पार्ट थोड़ी ना था मेरी स्टोरी का. उसके लिए भी मेरे को इतना सुनाया, तो इसीलिए मैं फिर सोच लेता हूँ भाई स्टोरीज बनाते ही नहीं. यहाँ पे मैंने और हितेश ने वो बनाया कि हम मून पे जा रहे हैं, वो एक स्टोरी बनाई, उस पर इतनी मेरे को
ऐसे ही भाई ऐसी की तैसी हो गई मेरी, आगे बनाने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा मोराल ही खत्म हो गया। मैं इतना खुश था, मैंने लिटरली इस वीडियो से पहले अनाउंस कर दिया था, दिस इज गोइंग टू बी द सिकेस्ट वीडियो इन माइनक्राफ्ट हिस्ट्री, एटलीस्ट सिकेस्ट वीडियो आई हैव मेड, ये वो। और वीडियो आई, व्यूज तो आए नहीं, वो बात अलग है, डिसलाइक इतने पड़ गए। मैंने कहा हितेश भाई छोड़ो, आप अपने नॉर्मल घर बनाओ बस, बैठ के सर्वाइवल मोड में, वही ठीक है, मैं नहीं कर रहा ये। मैं इतने डिसलाइक्स पड़ गए इस वीडियो पे, मेरा मन ही नहीं कर रहा अब आगे बनाने का। तुम देख लो, इसके अलावा कोई भी कंटिन्यूअस स्टोरी मोड वाली गेम है ही नहीं, ये भी नहीं है। ये माय ड्रैगन बर्नट, ये वो हग्गापुर वाली एक सीरीज जो बनाने की कोशिश की थी, कोई भी स्टोरी मोड वाली गेम है ही नहीं। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन हॉरर गेम, ये वाली हॉरर है। नॉर्मल गेम जिसमें मैंने स्टोरी मोड किया हो, ये पहली थी, हिटमैन वाली। तो आई थिंक इसके बाद मैं अभी आगे और भी करने वाला हूँ। या यार गेम नहीं, आप इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी खेलो, प्रांजल कह रही है। सॉरी, प्रांजल के कमेंट्स पे ज्यादा रिएक्शन दूंगा मैं तो लोग गलत ले जाते हैं। मेरे चैनल पे आने के लिए थैंक्स ब्रदर, मच अप्रिशिएटेड, लोल सब्स मोड था मेरा, नौटंकी बाज। अरे यार, मैं आया, मैंने देखा फेस कैम लगा हुआ है, मस्त स्ट्रीम चल रही है, मैं स्ट्रीम का लिंक डालने लगा एंड एकदम से आई वाज लाइक, अबे ये तो सब्सक्राइबर मोड ऑन है, क्या ही होगा। मैं चलो चलो वापस आ जाओ। अरे बट नेक्स्ट टाइम ब्रदर, नौटंकी बाज। यार तुम्हारा नौटंकी बाज लिखने का तरीका बहुत सही लगा मेरे को, नाइन टंकी बाज। मेंबर हूँ, वेलकम किए नहीं सर, सचिन सौरभ प्लेयर्स भाई, वेलकम टू द प्रोग्राम। अरे भाई भाई, पल्लव को बोल दो रोल्स देने के लिए। पल्लव यार वो मेंबर वाला रोल मिल जाएगा ना लोगों को? अरे मेंबर वाला जो रोल है वो डिस्कॉर्ड अपना आप देता है, आपको बस इतना करना है, अपना जो डिस्कॉर्ड अकाउंट है उसको यूट्यूब अकाउंट से डिस्कॉर्ड के अंदर लिंक करना है, सेटिंग्स के अंदर, बस यूट्यूब पे सर्च कर लो हाउ टू लिंक माय यूट्यूब अकाउंट विद डिस्कॉर्ड अकाउंट, आ जाएगा और वो रोल अपने आप तुमको मिल जाएगा। इजी, जिसको नहीं समझ आया वो रिवाइंड करके फिर से सुन लीजिएगा। मेरे को इग्नोर कर लो, क्राई की बोझी पारुल, मैं इग्नोर नहीं कर रहा, नहीं कर रहा यार मैं। आद्या गेमिंग, अर्श, कृष रायना, मिली कुमारी, बीस्ट भाव इज लाइव, सोमेश मैनमोड, वेलकम सभी को टू द प्रो गैंग, लेट्स गो भाई। 72 मेंबर्स हो गए आज के दिन में, 100 पूरे करते हैं फिर जाएंगे आज तो भाई, हो गया डिसाइडेड। भैया आई एम लेजिट क्राइंग बिकॉज यू टुक माई नेम, ख्याति अल्ले अल्ले, नहीं नहीं रोना नहीं है। भैया एक बार मान्या बोल दो, मान्या आओ भाई, आज मैं सबके नाम लिखता हूँ ठीक है, सब बस डॉट कमेंट कर दो, मैं सबके नाम लूंगा अभी। मुझे इग्नोर कर दो, टेरिफिक, क्राइंग इमोजी नहीं कर रहा, इग्नोर यार। मैंने आपको सुपर चैट करी, आपने इग्नोर कर दी, क्राइंग इमोजी सॉरी, गलती हो गई। कैसे हो भैया, ट्रिगर्ड एक्स अडिक्टेड, बहुत अच्छा। अलीमा नकवी, भैया सोना नहीं है क्या? अरे अभी तो 11 बजे है, 11:15, इतनी जल्दी कौन सोता है, मैं 3-4 बजे सोने वाला बंदा हूँ। कल फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही हूँ आफ्टर 2 ईयर्स, काफ़ी नर्वस थी, आपकी स्ट्रीम ने बहुत कम्फर्ट किया। गाव्या तनेजा, थैंक यू गाव्या। अरे यार स्कूल वूल जाओ, देश की तरक्की वरक्की के लिए कुछ करो, पढ़ाई लिखाई करो, वो बेटर है एक्चुअली में, अच्छी बात है स्कूल खुल रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जिन 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 के स्कूल खुल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। पलट दूंगा सारी दुनिया में, ए खुदा बस रजाई में से निकलने की ताकत देते। जार्ट ऑफ हिंदी गेमिंग, भाई आपको रजाई में से निकलने की शक्ति मिले, स्पेशली अब तो सर्दी आने वाली है, अब तो रजाई में से निकलना और मुश्किल होने वाला है। भैया मैं मेंबर बना, आपने वेलकम नहीं करा। शॉन, तेरा नाम कंफ्यूज हो गया मैं, शौर्य दिनकर भाई माफ कर दो। यार ये क्या बात हुई, इंस्टा पे रिप्लाई नहीं देते, यहाँ भी इग्नोर, क्राइंग इमोजी। यार एक तो जब भी कोई क्राइंग वाला इमोजी लगाता है ना, मेरे को उस पे हंसने का मन क्यों करता है। मुझे ज्यादा हंसी आती है जब भी क्राइंग इमोजी लगाता है कोई।
स्कूल छोड़ो, मेरे तो ऑफिस खुल रहे हैं। क्राइंग इमोजी मनोगना, बहुत बुरा लगा जी। भैया यू आर द बेस्ट। अमृता कह रही है थैंक यू अमृता। आरपी गेमर्स क्या हाल है भाई? आरपी गेमर भाई एकदम बढ़िया, मस्त मजावा, खाना हजम हो जाता है, पहनते हैं पजामा। पता नहीं क्या ही बोल दिया। फाइनली मेंबर बन ही गई सुधा सिंह, लेट्स गो। युक्सु गेमिंग कह रहा है प्लीज मेरा चैनल चेक कर लो, 200 करा दो। सर GTA 5 की वीडियो बनाओ विद मिथपैट प्लीज, मजा आएगा। बीस भाव इज लाइव फॉर श्योर बनाएंगे सर, बीस भाव आपकी आपके कहने पे ही सही जरूर बनाएंगे। वैसे GTA 5 की कल वीडियो आने वाली है, क्या मैंने बताया? हाँ मैंने स्ट्रीम के स्टार्टिंग में बताया था, कल GTA 5 की एक बहुत ही कमाल की वीडियो आने वाली है विद अ वेरी वाई मेंबरशिप लिया, कॉन्ग्रेट्स करो। M1887FF क्राइगी मुझी, क्राइगी मुझी। जार्ट ऑफ हिंदी गेमिंग मेरा चैनल स्क्रेच करो, रेड करो फॉर 5000 क्राइगी मुझी, क्राइगी मुझी। आज स्ट्रीम मिस हो गई, क्राइगी मुझी, क्राइगी मुझी। प्रो खेले आप, क्राएगी मोजी। इसमें रोने वाली क्या बात थी। भैया प्लीज इंस्टाग्राम पे रिप्लाई कर दो, सैड आईज इमोजी, क्राएगी मोजी, क्राएगी मोजी। इतने क्राएगी मोजी देख के रोना आ गया। Oh my God, एक बार पूरी चैट में सिर्फ क्राइंग इमोजी स्पैम कर दो, सिर्फ और सिर्फ क्राइंग इमोजी। मैं भी रोऊंगा, बहुत दुख हो रहा है। सुजाता सेज आई लव यू 3000, आई लव यू 4000। आप बहुत क्यूट हो, पर क्राइंग इमोजी क्यों नहीं लगाया? क्राइंग इमोजी लगाओ साथ में। भाई मखदूमी कब दीक ने को मिलेगा? मखदूनी अभी अगली से अगली वीडियो में आएंगे वापस, पर वो मखदूनी नहीं है, मखदूमी है। भाई मेंबरशिप लिया, नाम तो ले लो ब्रेमे या ब्रीम, क्राएगी मुझी, क्राएगी मुझी, सब क्राएगी मुझी लगा दो। और रोना, इतना दुख, इतना दर्द। इसी बात पे कोई सैड वाला गाना लगाएंगे, सैड पियानो मीम। टा टा टा, नहीं इसमें कॉपीराइट है। मिली तो है एक ट्यून, पर इस पे कॉपीराइट ना हो बस। अभी कॉपीराइटेड है यार, रुक जा, मेरे पास है ना एपिडेमिक है ना, उससे लगाता हूँ अभी कोई सैड म्यूजिक। सैड म्यूजिक, सैड म्यूजिक जो भी सबसे ऊपर आएगा। मैंने रोया पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा गाइस। बेचारे बड़े अच्छे इंसान थे, सबके साथ बहुत खुशी मिजाज से रह, खुशी और मिजाज नहीं, खुश मिजाज रहते थे। आरती अर्चना पूजा पूरा दिन बस मंदिर में ही बैठे रहते थे। वेलकम एल्विस यादव टू द प्रो गैंग। नहीं नहीं ये तो फेक अकाउंट है, रियल नहीं है ये,
मैं एक बारी को कंफ्यूज हो गया, मैं भाई रियल एल्विश भाई तो नहीं आ गया? बहुत दुख हुआ यार, बहुत दर्द हुआ। इतना दुख, इतना दर्द, इतने आंसू, इतने सैड इमोजीज, इतने सैड इमोजीज स्पैम करूंगा, इतना दर्द भर दूंगा पूरी चैट में। भाई बस, भाई बस, तुम ये मेरे को ना ऐसे जब भी कोई ये क्राइंग वाला इमोजी स्पैम करता है ना, कोई भेजता है मेरे को क्राइंग इमोजी, मुझे हंसी आती है उल्टा। प्रियंका सेज आई लव यू 3000, आई लव यू प्रियंका 3001। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, क्राइंग इमोजी। सामिनेटर नाम ले लो, एनिमेशंस बनाता हूं। सामिनेटर, बहुत दुख, बहुत दर्द में है गाइस, सब्सक्राइब कर लो। आदिति जैन सेज 11 को लाइव पर 4 ईयर हो जाएंगे, 14th को बर्थडे पे लाइव आओगे। आई थिंक मैं शायद अपने बर्थडे पे लाइव आऊं, थिंक, श्योर नहीं है, मे बी आऊंगा भी तो ट्रिगर्ड वाले चैनल पे बातचीत करने आऊंगा, गेम खेलने नहीं आऊंगा। या हिटमैन ने जिनको मारा उनके लिए रेस्ट इन पीस। हाँ, जिन जिनको हमने हिटमैन बन के मारा है ये उनके लिए श्रद्धांजलि थी। भगवान उन सबकी आत्माओं को शांति दे। क्राएगी वो जी, क्राएगी वो जी, और क्राएगी वो जी चाहिए मुझे। ठीक है यार, अब ऐसे ही इग्नोर करोगे क्या? वहां तो ठीक से बात कर लो, बट आई लव यू 30,000 मोर। प्रांजल, क्राएगी वो जी नहीं लगाए, दुख कैसे पता चलेगा? मैं हंसू की रो, रो लो सारे रो। आई थिंक बहुत होगी नौटंकी। लोग आरआईपी लिखना शुरू हो गया है। विश्वकांत शर्मा, वेलकम टू द प्रो गैंग। कोई आरआईपी नहीं हुआ गाइस, इट वाज जस्ट फॉर द जोक। जिनको नहीं समझ आया, किसी लोग जो यहाँ मैसेज करते हैं वो ऐसे ना क्राइंग इमोजीज, नॉर्मली भी जब मेरे को कोई व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज करता है वो क्राइंग इमोजी लगा देते हैं, मेरे को हंसी आती है क्राइंग इमोजी देख के, कि इसकी क्या ज़रूरत थी क्राइंग इमोजी, क्राइंग इमोजी से क्या तुम्हारा दुख दिख रहा है मेरे को मैसेज में? तो हम उस चीज़ पर हंस रहे थे। नहीं हटाऊंगा स्ट्रीम। 86 मेंबर्स हो गए यार। भाई जब से स्पॉन्सर बनी हूँ एक बार भी वीसी नहीं आया आप। शुभम विश्वास, अरे नहीं नहीं शुभम भाई, जरूर आऊँगा मैं वीसी। एक्चुअली आई वॉज बिजी बिकॉज ऑफ द दिवाली वीकेंड ना भाई, तो या आई विल कम देयर सून। यू गाइज कैन जॉइन द डिस्कॉर्ड सर्वर एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। वीडियो कल जो आएगी और फिर उसका ट्रिगर चैनल पे वीडियो आएगी और हम जब मिलेंगे और फिर स्ट्रीम भी हम वो जिलेंगे। ओके गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड, लाइक द स्ट्रीम, 100k लाइक्स कर दो, 90k पे अटक गए हैं, 1,00,000 कर दो फिर अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। भाई कैरी भाई के साथ स्ट्रीम किया, आपने अनाउंस भी नहीं किया, नॉट फेयर ब्रो। एक्चुअली उसका एक रीजन है, आई थिंक यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू नो दैट रीजन। मतलब समझो ना ब्रो, हम अपनी स्ट्रीम्स को एकदम ऐसा वो फैमिली फ्रेंडली नॉन अब्यूजिव रखते हैं, लेकिन सबकी स्ट्रीम्स ऐसी नहीं होती ना, समझो। दिस इज द रीजन के मैंने यार तुम मेरे से स्पॉयलर्स क्यों दिलवाते हो, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, ही वॉज स्ट्रीमिंग, आई वॉज रिकॉर्डिंग अ वीडियो। अगर मैं तुमको बता देता कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ तो तुम फिर वो पहले ही देख लेते, फिर तुम मेरी वीडियो नहीं देखते ना। समझते नहीं हो यार, समझते नहीं हो। मैं अपनी वीडियो में तो कम से कम सेंसर कर सकता हूँ ना,
अब समझे? इसलिए नहीं किया था अनाउंस श्रुति। अभी समझ गई श्रुति। संबित मोहपात्र से वैसे तो उम्र में आपसे बड़ा हूं, बट आप जो काम करते हो उसके लिए हैट्स ऑफ। संबित भाई थैंक यू सो मच यार। संबित मोहपात्र थैंक यू सो मच ब्रो, एक्चुअली मीन्स अ लॉट यार, सीरियसली दिल से। चलो अभी मैं जा रहा हूं, बाय 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 बाय। हाँ और कल वीडियो आएगी, कल वीडियो देखना ना, कल वीडियो देखना। इसलिए नहीं किया था अनाउंस क्योंकि कल वीडियो डालनी है ना, कल वीडियो अनाउंस कर रहा हूँ ना, अभी अभी कर रहा हूँ ना। कल वीडियो देखना। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।